आती तो मैं छोड़ देता हूँ, मेरे भाई पे आती तो मैं फोड़ देता हूँ। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावारी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना। हेलो फ्रेंड्स, तो थंबनेल से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम कौन सी फिल्म के ऊपर बात करने वाले हैं। बता दें दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिकॉर्डिंग बात करेंगे, उस फिल्म का नाम है बागी 3। तो दोस्तों, ये फिल्म कौन सी और आपको कहां पे देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बताने वाले हैं। साथ ही साथ इस मूवी के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में भी हम यहां पे बात करेंगे। और दोस्तों, ये फिल्म आपको कहां पे देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में भी हम आपको यहां पे बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा मजेदार की होने वाली है। इस वीडियो में हम इस मूवी की कहानी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, फिल्म से जुड़े कुछ रोमांटिक फैक्ट को बताएंगे, ऐसे की फिल्म के डायरेक्टर कौन थे, फिल्म के प्रोड्यूसर कौन थे, और ये मूवी जब रिलीज हुई थी तो कितनी कमाई किया था इंडियन सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पे। दोस्तों, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाली है, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी किए आज की मूवी रिव्यू को हमें स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं बागी 3 फिल्म के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। दोस्तों, बता दें इस फिल्म को 6 मार्च 2020 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, और रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। इसी के साथ दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर लें तो फिल्म को अहमद खान सर ने डायरेक्ट किया है, और फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात कर लें तो फिल्म की कहानी फरहाद सामजी सर ने लिखे थे। और वहीं पे दोस्तों, फिल्म की प्रोड्यूसर के बारे में हम बात करें तो साजिद नादिदवाला सर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया। और फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर लें तो दोस्तों, फिल्म में टाइगर श्रॉफ, रितेश देशमुख और श्रद्धा कपूर फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए थे। इसी के साथ दोस्तों, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले। दोस्तों, बागी 3 फिल्म को प्रोडक्शन किया है फॉक्स स्टार स्टूडियो, और इसी के साथ नादिदवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर के तहत इस फिल्म को बनाया गया। 6 मार्च 2020 को मूवी रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पे 137 करोड़ से अधिक की कमाई इस फिल्म ने किया है। एक साथ दोस्तों, बात कर ले टाइगर श्रॉफ के बारे में तो फिल्म में रणबीर रोहनी के रूप में अभिनय करते हुए नजर आए थे। रितेश देशमुख के बारे में हम बात कर ले तो इंस्पेक्टर विक्रम चरण के रूप में फिल्म में अभिनय किए हैं। श्रद्धा कपूर के बारे में हम बात कर ले तो सिया के रूप में फिल्म में अभिनय करती हुई नजर आई है। इसी के साथ दोस्तों, फिल्म के सहायक कलाकार के बारे में हम बात कर ले तो अंकिता लोखंडे फिल्म में अभिनय किए थे, जयदीप अहलावत फिल्म में दिखाई दिए थे, विजय वर्मा भी फिल्म में नजर आए हुए हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू देखने को मिलती है। दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये मैंने आपको कई सारे वीडियो में ऑलरेडी बतला रखा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगी इसके ऊपर हम बात करेंगे, और फिल्म की कहानी क्या है इसको हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें ये मूवी कब रिलीज हुई थी, फिल्म की कहानी क्या है, और फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बता दें दोस्तों, बागी
आखिरी फिल्म साल 2020 की भारतीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है। ये फिल्म बागी श्रृंखला में तीसरी किस्त है और इसमें टाइगर श्रॉफ, रितेश देशमुख और श्रद्धा कपूर अभिनय किए हैं। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें, ये तीसरा किस्त यानी कि ये तीसरा पार्ट है, पार्ट वन और पार्ट टू से पहले रिलीज किया गया था, जिसे आप लोगों ने देखा ही होगा। आपको बता दें, इस फिल्म में अंकिता लोखंडे और जयदीप अहलावत सहायक भूमिकाओं में नजर आए हुए थे। यह दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, बागी 3 फिल्म एक्शन दृश्यों को राम लक्ष्मण और केचा जो है खम फतेह धारक कोरियोग्राफ किया गया था। और इसी के साथ फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 12 सितंबर 2019 को मुंबई में शुरू हुई। निर्माता सीरिया में शूटिंग करना चाहते थे, लेकिन निर्माता फॉक्स स्टार स्टूडियो ने सुरक्षा मुद्दे के कारण मना कर दिया वहां पे शूटिंग करने के लिए, जिसके कारण आपको बता दें सीरियाई और इसी के साथ जो स्थल क्रिस से मिलते जुलते शेट जो है साबरिया में फिल्म को शूट किया गया था। इसके अलावा दोस्तों बागी 3 फिल्म को भारत में 6 मार्च 2020 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से नकारात्मक समीक्षा मिली। इसमें फिल्म के कलाकारों के एक्शन दृश्यों और प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की गई थी, लेकिन आपको बता दें फिल्म के लेखन निर्देशक और CGI के लिए आलोचना भी किया गया था। सिनेमाघरों के बंद होने के कारण फिल्म का संग्रह COVID-19 महामारी से प्रभावित हुआ। हालांकि फिर भी ये एक माध्यम व्यावसायिक सफलता मूवी बन गई। एक बार इसका प्रकोप जो है समाप्त हो जाने के बाद इसे फिर से जो है रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन निर्माताओं ने इसके बजाय इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का फैसला किया और ये फिल्म 2020 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म मानी जाती है। ये दोस्तों अब बात कर लेते हैं बागी 3 फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों फिल्म की कहानी रणबीर रोनी से स्टार्ट होता है। चरण चतुर्वेदी अपने बड़े भाई विक्रम के साथ रहते हैं। रोनी बचपन से ही उनके प्रति रक्षात्मक रहे हैं। खासकर उनके पिता चरण चतुर्वेदी की मृत्यु के बाद रोनी को पुलिस बल में नौकरी की पेशकश की जाती है, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ विक्रम को बचाने के लिए 33 मामले दर्ज कराए गए हैं और वह उसे काम पर लेने के लिए मना कर देता है। इसी के साथ आपको बता दें, एक जो है डरपोक और अनिच्छु जो विक्रम पुलिस वाला बन जाता है। जब एक बंधक की स्थिति उत्पन्न होती है तो विक्रम को काम सौंपा जाता है और वह अपराधियों का सामना करने से डरता है, लेकिन दोस्तों रोनी उसका साथ देता है, गुंडों से लड़ते हुए दिखाई देता है और बंधकों को बचाने में मदद करता है। वह आश्चर्य नहीं लेता है और ये प्रक्रिया विक्रम के हर मामले के बाद जनता और उसके विभाग के बीच लोकप्रियता होने के साथ जारी रही है। रोनी को बाद में सिया नाम की एक महिला से प्यार हो जाता है और वह अपने भाई बहन विक्रम और रुचि की एक दूसरे से शादी करवा देते हैं। एक दिन विक्रम को सीरिया में नियमित जो है कागजी कार्रवाई के लिए जाने के लिए नियुक्त किया जाता है। वहां पहुंचने पर विक्रम एक वीडियो कॉल पर रोनी के साथ जो है चैट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अचानक आपको बता दे आतंकवादी अबू जलाल गाजा के लोगों द्वारा पीटा जाता है और अपहरण कर लिया जाता है, जो उसके होटल के कमरे में घुस जाते हैं और रोनी के साथ जो असहाय होकर देखते हैं क्योंकि विक्रम रोनी की मदद के लिए भीख मांग रहा होता है। रोनी और सिया सीरिया की यात्रा करते हुए दिखाई देते। इसी बीच जहाँ पुलिस ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, वहीं पे अख्तर लाहौरी से मिलते हैं जो उन्हें विक्रम और उसके अपहरणकर्ताओं को ट्रैक करने में मदद करवाते हैं। विक्रम के होटल जाते हुए बताया जाता है कि जबकि पुलिस तीनों की तलाश कर रही होती है, इन तीनों की तलाश करना शुरू कर देती है। विक्रम के कमरे में रोनी विक्रम का क्षतिग्रस्त फोन पाता है, जहां पुलिस के कपड़े से ये पता चलता है कि अख्तर के साथ भाग निकलते हैं। तीनों जो है हमलावर को ढूंढने निकल पड़ते हैं, इसके परिणाम स्वरूप उनका पीछा किया जाता है और वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, जहाँ पे हमलावर जो है ट्रक की चपेट में आने और मरने से पहले मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको बता दें सिया जो है हमलावर के फोन प्राप्त कर लेती है। वहाँ पे एक होटल में मिलने के लिए IPS इंदर पहेली के साथ और लंबा नामक एक गुंडों को संदेश भेजती है। अबू जलाल गाजा मास्टरमाइंड अपने भाई जो है हमलावर की मौत का बदला लेना चाहता है। बदला लेने के लिए वहाँ पे आता है रोनी का समर्थन करने
टेस्ट लगता है जहां मुख्य पुलिस वाला आईपीएस पर कब्जा कर लेते हैं। जहां आपको बतला दे दोस्तों, वहां पे आईपीएस के ऊपर हमला करने के बाद, कब्जा करने के बाद, जबकि अबू जलाल भाग निकलते हैं। गिरफ्तार होने के बाद से आईपीएस से विश्वासघात के डर से अबू जलाल अपने आदमी को उसे मारने का आदेश देते हैं। रोनी और टीम ने बड़ी चतुराई से घटनाओं की एक श्रृंखला का मंचन किया, जिससे अबू के आदमियों को विश्वास हो गया कि उन्हें आईपीएल ने धोखा नहीं दिया, जबकि उस पर जो हमला करते हैं। और रोनी घर बचाए जाने पर आईपीएल उसकी मदद करने का फैसला कर लेता है। इसी के साथ दोस्तों, विक्रम और बंधकों को बचाने जाने से पहले रोनी अकेले ही अबू जलाल की सिरा से लड़ना शुरू कर देता है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दे, आईपीएल ने खुद को जो है बलिदान कर दिया। अबू सभी के साथ मुक्त करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन सिया को पकड़ लिया गया। रोनी अबू जलाल के आदमियों से लड़ना स्टार्ट करता है, लेकिन जैसे ही विक्रम रोनी को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है तो ये देखकर क्रोधित होने लगते हैं। रोनी वापस लड़ना बंद कर देता है और इसे चाकू मार दिया जाता है और लगभग जो है उसको मार ही दिया जाता है। इससे विक्रम में परिवर्तन हो जाते हैं और आपको बतला दे, सेल से बाहर कूद जाता है और सभी से बेरहमी से लड़ना स्टार्ट करता है। अंत में अबू जलाल को स्टील की छड़ों पर और उसके साथ थोपता है और विक्रम और सिया रोनी को पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही अबू उन पर पीछे से हमला करने के लिए उभरता है तो रोनी जाग जाता है और उसे मार देता है। और इसी साथ दोस्तों फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बागी 3 फिल्म के बारे में। इस मूवी को कब रिलीज किया गया था, फिल्म में कौन से स्टार कास्ट थे और ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, इन सब चीजों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों बता दें, फिल्म की घोषणा 19 दिसंबर 2018 को टाइगर श्रॉफ के साथ नादिद वाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पर एक टीजर पोस्ट के जरिए किया गया था। वहीं 2 फरवरी 2019 को श्रद्धा कपूर को टाइगर श्रॉफ के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। जून में ये घोषणा की गई थी कि रितेश देशमुख फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए हैं। अगस्त 2019 में ये घोषणा की गई थी कि फिल्म की शूटिंग जो है मोरको, मिस्र और सर्बिया और तुर्की में होने वाली है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 12 सितंबर 2019 को मुंबई में शुरू हुई और 30 जनवरी 2020 को समाप्त कर लिया गया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, 6 मार्च 2020 को भारत में नाटकीय रूप से जारी किया गया था, जहां पे बागी 3 ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पे 17.50 करोड़ की कमाई की, जो कि 2020 की बॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक की सबसे जो है अधिक ओपनिंग डे कलेक्शन बन गया था। 15 मार्च 2020 तक भारत में 110.65 करोड़ से अधिक की कमाई किया, जो विदेशों में 24.42 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली ये फिल्म बन गई थी। दोस्तों आपको बता दें, फिल्म का दुनिया भर के कलेक्शन के बारे में हम बात कर ले तो 137 करोड़ से अधिक की कमाई इस फिल्म ने 2020 में किया था। और इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म साल 2020 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। बागी 3 फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरुण आदर्श ने लेखन और खान के निर्देशन की आलोचना करते हुए प्रदर्शन, एक्शन, दृश्य और छायांकन की प्रशंसा करते हुए कहा। और दोस्तों फिल्म को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा के साथ जो है, लेकिन स्थिर और कैमराओ के साथ जो है सीजीआई और लेखन के लिए आलोचना के साथ जो है फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिए। न्यूज 18 के राजीव मंशद ने निर्देशन के साथ जो है तर्कहीन एक्शन दृश्यों और फिल्म के कथानक की आलोचना करते हुए फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दिया हुआ है। फैंस आपको बता दें, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बागी 3 फिल्म के बारे में। इसे 2020 में रिलीज किया गया था और ये फिल्म 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी फिल्म के ऊपर बात करने वाले हैं, बताएंगे ये फिल्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, फिल्म में कौन से स्टार कास्ट ने काम किया है और मूवी कितनी कमाई की थी, इन सब चीजों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो बात करें फिल्म की घोषणा के बारे में, तो बागी 3 मूवी की घोषणा 2018 में की गई थी। टाइगर श्रॉफ के साथ साजिद नदीतवाला एंड ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पर एक टीजर पोस्टर जारी करने से की थी। आपको बता दें, फिल्म 12 फरवरी 2019 को श्रद्धा कपूर को टाइगर श्रॉफ के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था।
जून में यह घोषणा की गई थी कि रितेश देशमुख फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए हैं। अगस्त 2019 में यह घोषणा की गई थी कि फिल्म की शूटिंग जो है मोरक्को, मिस्र, सर्बिया और तुर्की में होगी। प्रिंसिपल फोटोग्राफर अगस्त 2019 में मुंबई में शुरू हुई और अक्टूबर 2019 में पूरी की गई थी। यह फिल्म 6 मार्च 2020 को भारत में नाटकीय रूप से जारी किया गया था। आपको बता दें, बागी 3 फिल्म ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 70.50 करोड़ रुपए की कमाई की, जो 2020 की बॉलीवुड फिल्म के लिए तक का सबसे अधिक ओपनिंग डे कलेक्शन था। 15 मार्च 2020 तक भारत में 110.65 करोड़ रुपए और विदेशों में फिल्म ने 24.42 करोड़ रुपए की कमाई के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 137.5 करोड़ का सकल संग्रह किया है और 2020 की दुनिया और 2020 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाला बॉलीवुड फिल्म बन गया है। बागी 3 को आमतौर पर आलोचकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरुण आदर्श ने लेखन और खान के निर्देशन की आलोचना करते हुए उनके साथ प्रदर्शन और एक्शन दृश्य और छायांकन की प्रशंसा करते हुए फिल्म को 5 में से 3 सितारों की रेटिंग दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा के साथ जो है लेकिन आस्तीन जो है केम राव और साथ ही CGI और लेखन के लिए आलोचना के साथ जो है फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिया है। और आपको बता दें, CNN न्यूज 18 की राजीव मंसद ने निर्देशक जो है तर्कहीन एक्शन सीक्वेंस और कथानक की आलोचना करते हुए फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दिए हैं और फिल्म को फुला हुआ और काफी अच्छा कहा है। अब बात करते हैं फिल्म के अभिनेत्री श्रद्धा कपूर मैम के बारे में। अभिनेता शक्ति कपूर की बेटी है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2020 की हिट फिल्म 3 पत्ती में एक संक्षिप्त भूमिका के साथ की थी और इसके बाद किशोर नाटक लव का द एंड फिल्म 2011 में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई थी। आपको बता दें, व्यावसायिक रूप से सफल जो है रोमांस फिल्म आशिकी 2 फिल्म 2013 में एक गायिका की भूमिका निभाने के लिए कपूर को सफलता मिली थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। और उसी वर्ष उन्होंने विशाल भरद्वाज की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित जो है नाटक हैदर फिल्म 2014 में ओफेलिया पर आधारित एक चित्रण को चित्रित इन्होंने किया था। श्रद्धा कपूर ने रोमांटिक थ्रिलर फिल्म एक विलन मूवी 2014 में एंड डांस ड्रामा फिल्म ABCD 2 फिल्म 2015 में अभिनय की और एक्शन फिल्म बाकी फिल्म 2016 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ खुद को स्थापित किया। खराब फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज फिल्म कॉमेडी हॉरर स्ट्री फिल्म 2018 की एक्शन थ्रिलर मूवी साहो 2019 की और साथ ही कॉमेडी ड्रामा फिल्म छिछोरे मूवी 2019 के साथ आई थी। आपको बता दें, श्रद्धा कपूर ने फिल्मों में अभिनय के अलावा अपने कई फिल्मी गाने भी खुद गाए हैं। वह कई ब्रांडों और उत्पादों के लिए सेलिब्रिटी एंडोर्सर भी है। 2015 में उन्होंने कपड़ों की अपनी लाइन लॉन्च की है। आपको बता दें, श्रद्धा कपूर 2011 में लव का द एंड फिल्म के प्रचार कार्यक्रम में कपूर ने अमिताभ बच्चन के बेन और साथी किंग्सले और आर माधवन के साथ 2010 के नाटक 3 पत्ती फिल्म में अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने एक कॉलेज गर्ल की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई। फिल्म को आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली थी, हालांकि उनके प्रदर्शन को बेहतर रूप से प्राप्त किया गया था। फिल्म के बारे में Rediff.com के लिए लेखन वाली प्रति जोहन की और प्रीति अरोरा ने कहा कि हालांकि थोड़ी कच्ची यानी कि सामने बहुत बढ़ती है और भावनाएं हैं फिल्म के अंदर। और बात करें जो है निकहत काजमी ने समीक्षा की कि श्रद्धा कपूर एक तेज तरह इंसान है फिल्म के अंदर। श्रद्धा कपूर की 3 पत्ती फिल्म के बारे में Rediff.com के लिए लेखन वाली प्रीति अरोरा ने कहा है कि हालांकि थोड़ी कच्ची और उसमें बहुत जो संभावनाएं रखी गई थी। आपको बता दें, निकहत काजमी ने समीक्षा की श्रद्धा कपूर एक तेज तरार और साथ ही नौजवान के रूप में एक दिलचस्प शुरुआत करती है फिल्म के अंदर, जो कि इस लीज के लिए अपनी विशेषताओं को छोड़ देती है। कपूर को सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकित किया गया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही थी और अपनी शुरुआत के बाद उन्होंने यशराज फिल्म के साथ 3 फिल्मों का सौदा किया और उनकी 2011 की किशोर कॉमेडी लव का द एंड में ताहा के साथ अभिनय किया था और इनके 3 सौदों को जो है खत्म कर दिया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे बाकी 3 फिल्म को, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद आपको पता है COVID-19 का दौरा चला, जिसके बाद जो है फिल्म में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई थी, लेकिन फिल्म अंत तक जो है अपने आप में काफी ज्यादा अच्छी कमाई भी किया और फिल्म
2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाला दूसरा फिल्म बन गया। 2011 की किशोर कॉमेडी लौका द एन तहर शाह के साथ कपूर ने एक किशोर छात्रा की मुख्य भूमिका निभाई जो अपने प्रेमी को धोखा देने के बाद उसके खिलाफ जो है साजिश रचती है फिल्म के अंदर। और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे खराब प्रदर्शन किया और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई थी। हालांकि श्रद्धा कपूर के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली थी, स्वागत मिला। तरन अदास ने लिखा है कि श्रद्धा कपूर जो है यानी कि रहस्य उद्घाटन दिखती है फिल्म के अंदर, जो आपको एक जो है आत्मविश्वास से भरे प्रदर्शन से अनजान करती है। जब वह अपने प्रेमी के सच्चे इरादों को जानने के बाद टूट जाती है तो वह अनुक्रम में विद्युतीकरण करती है और अपने प्रदर्शन के लिए कपूर को स्टारडस्ट भी मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए साथ ही सर्च लाइट अवार्ड भी मिला था। बाद में श्रद्धा कपूर को यशराज फिल्म के साथ अपने सौदे के लिए हिस्से के रूप में साथ ही औरंगजेब फिल्म मुख्य महिला भूमिका की पेशकश की गई। हालांकि उन्होंने इसके बजाय विशेष फिल्म की आशिकी 2 पर हस्ताक्षर किए, जिससे यशराज फिल्म के साथ 3 फिल्मों का अनुबंध रद्द कर दिया गया था। 2013 में श्रद्धा कपूर ने मोहित सूरी की रोमांटिक संगीत जो है नाटक आशिकी 2 फिल्म में अपनी सफल भूमिका पाई थी, जो 1990 की फिल्म आशिकी की अगली कड़ी थी। उन्हें एक छोटे शहर की बार जो है गायिका आरोही केशव सिरके के रूप में लिया गया था, जो एक जो है लोकप्रियता पुरुष गायक आदित्य रॉय कपूर के प्यार में पड़ जाती है। आदित्य रॉय कपूर धारा अभिनेत की मदद से एक सफल पार्श्व गायक बन जाती है और फिल्म 1.9 मिलियन से आधे की कमाई किया था, यानी कि यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर दे तो 14 मिलियन के विश्वव्यापी राजस्व के साथ फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे बड़ी सफलता थी। फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने श्रद्धा कपूर को वास्तविक विजय कहा और कहा कि उनके चीनी मिट्टी के चेहरे में एक भव्य एन साथी व्यक्ता है। हालांकि इंडिया टुडे के साथी जो है इनकी विनायक चक्रवर्ती ने लिखा है कि वह सुंदर दिखती है फिल्म के अंदर, हालांकि चिंगारी जोड़ने में विफल रहती है। श्रद्धा कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में कई नामांकन प्राप्त हुए थे, जिनमें से एक जो है फिल्म फेयर पुरस्कारों में भी शामिल है। उस वर्ष वह जो है इमरान खान के चरित्र की मंगेतर की भूमिका निभाते हुए रोमांटिक कॉमेडी गुरी तेरे प्यार में एक अतिथि भूमिका में दिखाई दी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर श्रद्धा कपूर की फिल्म बाकी 3 मूवी को, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों, अगर आप भी बाकी 3 फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे बाकी 3 फिल्म को और अभी हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री श्रद्धा कपूर मैम की रियल लाइफ के बारे में। अगर आप श्रद्धा कपूर की फैन हैं और इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। श्रद्धा कपूर ने अगली बार सूरी के साथ थ्रिलर एक विलन फिल्म 2014 के लिए फिर से काम किया, जिसके लिए उन्होंने गलिया गीत भी गाया था। फिल्म एक कठोर अपराधी सिद्धार्थ मल्होत्रा धारा अभिनीत की कहानी बतलाई गई है, जिसकी गंभीर रूप से बीमार पत्नी कपूर धारा अभिनीत की एक जो सीरियल किलर धारा बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। फिल्म को आमतौर पर जो है कोरियाई फिल्म आई साथ यानी कि डेविल से उनके साथ जो है साहित्यिक चोरी माना जाता था। हालांकि सूरी ने दावा किया कि यह एक मूल फिल्म थी और अपनी समीक्षा में फिल्म फेयर की साथी रेडिंटा टंडन ने फिल्म को साथी किरकिरा आकर्षक थ्रिलर कहा कि श्रद्धा कपूर इस फिल्म में एक जो है रहस्य उद्घाटन थी। फिल्म अंततः 1 बिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 13 मिलियन से अधिक के घरेलू राजस्व के साथ प्रमुख व्यवसायिक सफलता के रूप में उभरी। उसी वर्ष उनकी दूसरी रिलीज फिल्म विशाल भरद्वाज की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नाटक हैदर फिल्म थी, जो कि बिलियन एनसाथी शेक्सपियर के हेमलेट का एक रूपांतरण फिल्म था, जिसे 1995 के कश्मीर संघर्ष के दौरान सेट किया गया था। उन्होंने शाहिद कपूर और तब्बू के साथ जो है यानी कि ओफेलिया एनसाथी आधारित चरित्र आर्तिया नाम की एक जो है पत्रकार की भूमिका निभाई थी। डेकन क्रॉनिकल के लिए लेखन आलोचक जो है कुशी मिता दास ने उनके चरित्र की विभिन्न और साथ ही बारीकियों से पकड़ने में कपूर के प्रयास की प्रशंसा की और कहा कि उनका चित्रण जो है आश्चर्य जनक रूप से रचित थी। उसी वर्ष भी कपूर ने करण जौहर के निर्मित जो है थ्रिलर उंगली में एक आइटम नंबर 1 भी किया था। अब
2015 में श्रद्धा कपूर ने ABCD 2 नामक डांस फिल्म ABCD एनीबडी कैन डांस की अगली कड़ी फिल्म में अभिनय की। उन्होंने एक हिप हॉप डांसर की भूमिका फिल्म में निभाई, जिसने अपने बचपन के दोस्त सुरेश मुकुंद के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय हिप हॉप प्रतियोगिता में भाग लिया। और वरुण धवन धारा जो है अपनी भूमिका की तैयारी में उन्होंने कोरियोग्राफर प्रभु देवा एन रेमो डिसूजा से नृत्य की विभिन्न शैलियों को सीखा। वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर द्वारा निर्मित की गई इस फिल्म ने दुनिया भर में 1.57 बिलियन से अधिक की कमाई किया और फिल्म यूएसए डॉलर में कन्वर्ट कर दे तो बॉक्स ऑफिस में 21 मिलियन से अधिक की कमाई किया था यूएसए डॉलर की, और उस समय तक उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाला ये फिल्म बन गया। तो दोस्तों, श्रद्धा कपूर की मज़ेदार फिल्मों के बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। अगर आप श्रद्धा के फैन हैं और इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में हम करें बागी 3 फिल्म को, जिसे 2020 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और फिल्म रिलीज होते ही कोविड-19 का एक लंबा दौर चला, जिसके बाद फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाया, लेकिन अंत तक फिल्म जो है 2020 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फिल्म रहा। श्रद्धा कपूर ने 2016 की शुरुआत एक्शन ड्रामा बागी में स्टार टाइगर श्रॉफ की प्रेम रुचि के रूप में, जो एक जो है मार्शल आर्ट स्कूल के पृष्ठभूमि के खिलाफ विद्रोही प्रेमियों की एक जोड़ी के बारे में थी। भूमिका के लिए उन्हें जो है यानी कि कलारी पेट और भारत के दक्षिण में उत्पन्न होने वाला एक जो है मार्शल आर्ट का अध्यास करने की आवश्यकता थी। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म में अपने चरित्र को साथी जो है दिनांकित माना, लेकिन सोचा कि उसने जो है रोमांटिक और एक्शन दृश्यों को काफ़ी अच्छा निभाया और व्यावसायिक रूप से फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन भी किया और कुल मिलाकर फिल्म ने 1.26 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो यूएसए डॉलर में कन्वर्ट कर दे तो 17 मिलियन का संग्रह किया फिल्म ने। और 2016 में श्रद्धा कपूर की अंतिम रिलीज मूवी रॉक म्यूजिकल ड्रामा रॉक ऑन 2 फिल्म थी, जो 2008 की रॉक ऑन की अगली कड़ी थी और उन्हें जो है फरहान अख्तर और अर्जुन रामपाल और प्राची देसाई के साथ कास्ट किया गया था फिल्म के अंदर। उन्होंने साथ ही अंतर्मुखी गायिका और की बोर्ड यानी कि वादक जो है जिया शर्मा की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई, जो अपने ही पिता के साथ जो है उपेक्षापूर्ण संबंधों का शिकार होती है। तैयारी के लिए उन्होंने अलग अलग जो है किताबें पढ़ने में समय बिताया और गायिका जो है समानता और साथ ही एडवर्ड्स के तहत जो है गायन का प्रशिक्षण लिया था। द हिंदू की नम्रता जोशी ने फिल्म को नापसंद किया और कपूर के प्रदर्शन को साथ ही स्वयं जो है सचेत रूप से नम्र और विनम्र माना। रॉक ऑन 2 फिल्म ने अपने 450 मिलियन यानी कि 5.9 मिलियन के साथ ही विनेश की भरपाई नहीं की। 2017 में श्रद्धा कपूर ने शाद अली की रोमांटिक ड्रामा ओके जानू फिल्म में आदित्य रॉय कपूर के साथ फिर से अभिनय किया। साथ ही मणि रत्नम की तमिल रोमांटिक ड्रामा फिल्म में कदल इंसाती कन मनी की रिमेक फिल्म का निर्माण करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन के बैनर के तले किया था। कपूर अगली बार जो है रोमांस इन हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म में दिखाई दिए थे, जिसमें उन्हें अर्जुन कपूर के साथ जोड़ा गया था। यह फिल्म चेतन भगत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित फिल्म थी और उन्हें जो है निर्देशक इंसाती मोहित सूरी के साथ फिर से मिलाया गया था। बाद की फिल्म की समीक्षा में हम आपको बता दें, NDTV के राजा सेन ने इसे जो है बेवकूफ इंसाती मन बुद्धि रोमांस माना और श्रद्धा कपूर की तीखी और साथ ही सराहनीय के रूप में आलोचना की थी। बाद में 2017 में श्रद्धा कपूर इन साथी अपूर्वा लाखिया की हसीना पारक फिल्म में दिखाई दी, जो कि आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की बहन की बायोपिक थी, जिसने जो है खुद का अपराध मंडल चलाया। कपूर ने अपने भाई की साथी जो है कि सिद्धांत कपूर के साथ इन साथी नाम मात्र की भूमिका निभाई, जिन्होंने इब्राहिम का किरदार फिल्म के अंदर निभाया था। फिल्म को नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फर्स्ट पोस्ट के अन्ना MM इन साथी वेटिकेट ने श्रद्धा कपूर के प्रदर्शन को पटकथा के रूप में नरम माना और कहा कि वह जो है परिपक्व और साथ ही खतरनाक दिखने की कोशिश करती है, लेकिन प्रयास बहुत अधिक दिखता है। उनकी 2017 की किसी भी रिलीज ने बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और ये फिल्म सारे ही फ्लॉप थे। और उसी दौर में बाकी 1 फिल्म को भी रिलीज किया गया था, लेकिन बाकी फिल्म भी उतना ज़्यादा सफलता नहीं पाई, लेकिन इसकी अगली कड़ी और तीसरी कड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा सफल रहा, जिसकी इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं। आपको बता दें, बागी 2 जब आया था तो ये फिल्म सफल रहा और बागी 3 आया तो ये भी सफल है और बागी 4 भी आपको 2022 तक देखने को मिल जाएगा सिनेमाघरों में। तो दोस्तों, अगर आप लोग बागी फिल्म का
बागी फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो बागी 3 फिल्म को, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। श्रद्धा कपूर ने अगली बार कॉमेडी हॉरर फिल्म सत्री मूवी 2018 में राजकुमार राव के साथ अभिनय किया। आपको बतला दें, नालेबा इंसाथ किंग वंदित पर आधारित फिल्म में उन्हें एक रहस्यमय अनाम महिला के रूप में दिखाया गया, जिसे जो है राव के चरित्र से प्यार हो जाता है। समीक्षक सैबल चटर्जी ने फिल्म के नारीवादी उप पार्ट पर ध्यान दिया और कपूर को एक जो है रहस्यमय महिला के रूप में उपयुक्त रूप से जो है बर्फीले पाया। राजीव मंसद ने कहा कि वह अपने जो है चारों ओर रहस्य की हवा के साथ जो है आकर्षक आउट ऑफ इंसाती टाउन के रूप में अच्छी तरह से मिश्रित है। यह फिल्म 1.7 बिलियन यानी कि 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सकल कमाई के साथ स्त्री उस समय तक की उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज के रूप में उभरी। उसी वर्ष श्रद्धा कपूर ने ग्रामीण भारत में साथी बिजली के मुद्दे के बारे में एक सामाजिक जो है समस्या वाली फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू में शाहिद कपूर के साथ वापसी की। इस स्क्रिप्ट में मिले जो है सामाजिक संदेश के कारण वह इस परियोजना के लिए सहमत हो गई। स्टूडियो जो है क्री आर्ट एंटरटेनमेंट द्वारा क्रू को जो है परिश्रमित देने में विफल रहने पर जो है यानी कि फिल्मांकन विवाद में फंस गया था। एक संक्षिप्त जो है यानी कि अंतराल के बाद भूषण कुमार द्वारा परियोजना को संभालने के बाद उत्पादन फिर से शुरू हुआ। इंडिया टुडे के लिए लिखते हुए चारू ठाकुर ने कहा है कि श्रद्धा कपूर को जहाँ तक उनके अभिनय कौशल का सवाल है, उन्हें बहुत आगे जाने की जरूरत है। श्रद्धा कपूर जो है बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की बायोपिक में अभिनय करने के लिए प्रतिबंध थे, जिसका निर्देशन अमोल गुप्ते ने किया था, लेकिन कुछ दिनों के लिए फिल्म आने के बाद उन्होंने शेड्यूलिंग संघर्ष का हवाला देते हुए इसी प्रोजेक्ट से बाहर हो गई। उन्होंने सुजीत की त्रिभाषी एक्शन फिल्म साहो में प्रभास के साथ प्रमुख महिला की भूमिका निभाकर 2019 की शुरुआत की और ये फिल्म 5 बिलियन से अधिक की कमाई किया, यानी कि यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो ये फिल्म 46 मिलियन का बजट यानी कि पार कर गया और निर्मित सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। मीड डे के लिए एक दिन की समीक्षा में मयंक शेखर ने उनके हिस्से को बल्कि पीला और साथी व्यर्थ कहकर जो है खारिज कर दिया। फिल्म के तमिल और तेलुगु संस्करण ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इसका हिंदी संस्करण जो है व्यावसायिक रूप से सफल रहा। उनकी अगली फिल्म जो है रिलीज नीतीश तिवारी की छिछोरे मूवी थी, जो कि कॉलेज जीवन के बारे में एक जो है कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी और जिसमें सुशांत सिंह राजपूत सह कलाकार थे और मेन की उदिता झुंझुनवाला ने इस हॉस्टल इंसाती लाइफ के लिए एक जीवन इंसाती श्रद्धांजलि करार दिया और कहा कि एक स्केच जो है भूमिका के बावजूद श्रद्धा कपूर एक चलती और दिलचस्प जो है प्रदर्शन देती है दुनिया भर में। यह फिल्म 2 बिलियन से अधिक की कमाई किया एंड यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई के साथ यह फिल्म उनकी सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। श्रद्धा कपूर ने डांस फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म 2020 में वरुण धवन के साथ फिर से जुड़कर नए दशक की शुरुआत की, जिसे जो है नम्रता जोशी ने उवेक प्रदर्शन का संकल्प करार दिया और इसने जो है व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और इसके बाद उन्होंने साथ ही आध्यात्मिक सीक्वल बागी 3 फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ जो है इनकी दोबारा काम किया था और कोविड-19 महामारी के कारण थिएटर बंद होने के कारण जो है इसने व्यावसायिक रूप से कमजोर प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, इस फिल्म के निर्माता बागी 3 मूवी के निर्माता ये चाहते थे कि दोबारा से इस फिल्म को रिलीज करें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इस फिल्म को दोबारा जो है सिनेमाघरों के बजाय इस फिल्म को सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। तो बागी फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट पर हम बात करते हैं, टाइगर श्रॉफ, रितेश देशमुख, श्रद्धा कपूर, अंकित लोखंडे ने इस फिल्म में अभिनय की है और फिल्म को डायरेक्ट की है अहमद खान ने। दोस्तों, आपको बता दें, बागी में तीसरा किस्त मूवी है जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। सबसे पहला फिल्म 2016 में आया था बागी मूवी और ये फिल्म उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर एंड सुधीर बाबू ने अभिनय किए थे और इस फिल्म को डायरेक्ट किए थे कबीर खान ने और इस फिल्म की कहानी संजीव दत्त ने लिखे थे और फिल्म के प्रोड्यूसर की हम बात करते तो साजिद नदीत वाला ग्रैंड साउंड एंटरटेनमेंट के बैनर के तहत इस फिल्म को बनाया गया था और यह फिल्म 29 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई थी। तो चलिए आइए इस फिल्म की कुछ कहानी के बारे में हम जानते हैं दोस्तों, क्योंकि ये तीनों फिल्म एक सा रिलेटेड है, यानी कि ये तीनों फिल्म जो है सेम टू सेम है, थोड़ी थोड़ी चेंजेस की गई है। नाम का यहाँ पे फ़र्क है, बागी 1, बागी 2 एंड बागी 3 और बागी 4 भी आने वाला है
और ये टाइगर श्रॉफ की जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म भी हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा सीरीज इनकी जिंदगी में कोई भी फिल्म नहीं है। आपको बता दें, बागी फिल्म 29 अप्रैल 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी और 370 मिलियन यानी कि यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 4.9 मिलियन के बजट पर बनी। इस फिल्म ने दुनिया भर में 1.27 मिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 17 मिलियन से अधिक की कमाई की। बाद में इसने दो आध्यात्मिक सीक्वल बागी 2018 और बागी 3 फिल्म 2020 को जन्म दिया। इसी प्रकार बागी फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त बन गई और फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन कलाकारों के एक्शन दृश्य और प्रदर्शन की प्रशंसा भी इस फिल्म में किया गया था। बागी 1 फिल्म के कहानी की अगर हम बात करें तो फिल्म मार्शल आर्ट यानी कि चैंपियन और खूंखार गैंगस्टर राघव शेट्टी सुधीर बाबू के साथ शुरू होती है, जो सिया खुराना श्रद्धा कपूर को हैदराबाद में उसकी फिल्म के सेट से अपहरण कर लेते हैं। उसे जो है बैंकॉक ले जाते हैं और सिया के पिता पीपी खुराना और साथी सुनील ग्रोवर निर्माता जो है दसना के साथ जो है सरकारी कार्यालयों और पुलिस के पास जो है मदद के लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी सहायता के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि राघव एक जो है प्रभावशाली व्यक्ति है और भारत और साथी थाईलैंड के बीच जो है कोई भी यानी कि पर्याप्त नहीं है और साथी जो है संगी जो इनके अस्तित्व में नहीं है और खुराना तब यानी कि साथी जो दसना को झुका देता है और उसके साथ जो है सिया का पूर्व प्रेमी रणबीर रोनी सिंह जो है इनकी टाइगर श्रॉफ की यानी कि टाइगर श्रॉफ नौकरी के लिए एकमात्र सही जो है विकल्प है उसके लिए। शुरू में हिचकिचाते हुए रोनी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाते हैं, क्योंकि उसे यानी कि सुब्बू के इलाज के लिए पैसे की जरूरत होती है, जो एक जो है मुख्य युवा लड़के हैं और जिसका जो है इलाज उसके मुखर रागों के लिए किया जाता है। और फ्लैशबैक में रोनी और सिया को ट्रेन में मिलते हुए दिखलाया गया है और राघव भी सिया को अगले रेलवे स्टेशन पर देखता है और उसे पसंद करने लगता है। वह अपने आदमियों से उसके बारे में जानकारी हासिल करने को कहता है। रोनी एक जो है निश्चिंत और साथी कैलाश शेट्टी उर्फ यानी कि गुरु स्वामी के मार्शल आर्ट स्कूल का दौरा करता है, जो वास्तव में राघव के पिता हैं और साथ ही केरल के कोल्लम में उनके साथ गुरु स्वामी को लिखे एक पत्र में रोनी के पिता जो यानी कि समरजीत सिंह अरुण बाली जो सेना से उनके पूर्व इन साथी बैचमेट होते हैं और बताते हैं कि रोनी एक विद्रोही इंसान है और रोनी को एक अच्छा इंसान बनने के लिए कहते हैं। रोनी और सिया प्यार में पड़ जाते हैं और सिया उसे पीपी से मिली एक जो है अंगूठी देती है, उसे हमेशा रखने के लिए कहती है। राघव खुराना से सिया का हाथ मांगता है और खुराना जो है लालच में खो जाता है। जब वह देखता है कि राघव सिया के लिए कितना पैसा देता है, वह सिया को राघव को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वह देखता है कि रोनी के पास सिया की अंगूठी है तो उसे पता चलता है कि वह रोनी से प्यार करती है। वह राघव को सूचित करता है, जो रोनी को मारने का फैसला करते हैं। रोनी यहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है सिया से इस फिल्म के अंदर। और आपको बता दें, ये फिल्म एक्शन थ्रिलर मूवी है जो 2016 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म सफल रही क्योंकि फिल्म ने बहुत ही अच्छा कमाई किया, जिसके वजह से इस फिल्म के निर्माता पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को बनाया है और ये दोनों पार्ट भी सफल रहा। अब पार्ट 4 भी इसका बहुत जल्द आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगा। फिल्म के आगे क्या होता है, चलिए बात करते हैं। गुरु स्वामी ने रोनी को मारने के बारे में राघव की बातों को सुन लिया है और उसे ऐसा करने से मना कर दिया। राघव जो है अपमानित महसूस करता है और जहर देता है और उसे रास्ते से हटाने के लिए उसे मार देता है। रोनी ने राघव के आदमियों की पिटाई की जब वह जो है सुब्बू के साथ जो है हाथापाई करते हैं, जो रोनी का करीबी है और केवल जो है राघव को बाद में गिरफ्तार करने के लिए जब वह जो है गुरु स्वामी के लिए शोक मानता है, जिसे वह एक पिता के रूप में देखना शुरू कर देता है। साथी जो है खुराना फिर से सिया और रोनी के बीच उन्हें जो है अलग करने के लिए एक जो है यानी कि साथी जो है गलतफहमी पैदा करता है, जो काम करता है और दोनों जो है अलग हो जाते हैं। वर्तमान में वापस जो है रोनी एंड साथी बैंकॉक पहुंचता है और राघव का ध्यान आकर्षित करने के लिए वहां के सबसे जो है शक्तिशाली फाइटर को हराकर राघव के फाइट जो है क्लब का दौरा करता है। और अगले दिन रोनी राघव के दाहिने हाथ के आदमी बिज्जू के घर में जो है घुस जाता है और बिज्जू की पत्नी को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है।
जिससे वह सिया के स्थान को प्रकट करने के लिए मजबूर करता है। और यह पता चलता है कि स्थानीय अस्पताल में थी और रोनि सिया को बचाती है और डॉक्टर और नर्स के वेश में दोनों के साथ जो है वहाँ से भाग निकलते हैं। दोनों भारत वापस जाने के रास्ते में एक जो है द्वीप पर जो है रुकते हैं, जहाँ सिया को अपने पिता के धोखे का पता चलता है जब वह जो है देखती है कि रोनि अभी भी उसकी अंगूठी पहने हुए है। दंपति में सुलह हो जाते हैं, लेकिन राघव और उसके आदमी उन पर जो है हमला कर देते हैं और बीजू ने रोनि को गोली मार दी जो कि चट्टान से गिर जाता है। राघव सिया को वापस अपने जो है स्थान पर ले जाती है, लेकिन सिया को पता चलता है कि रोनि जीवित है और राघव को उसकी जो है आक्रामक उपस्थिति के बारे में कुछ जो है क्षण बाद में सतर्क किया जाता है। यह पता चलता है कि बीजू ने अपनी जो है बंदूक में खाली गोलियां का इस्तेमाल किया था और उसे जो है बकस दिया था, क्योंकि रोनि ने पहले ही अपनी पत्नी की जान बचाई थी और बीजू का दावा है कि उसने जो है रोनि को बकस दिया क्योंकि वह उसे सही मानता था, लेकिन राघव ने उसका गलत यानी कि काट दिया लेकिन राघव ने उसका गला काट दिया। रोनि राघव की इमारत पर जो है धावा बोल दिया है और अकेले ही राघव के काम में लगे सभी जो है हथियारों और साथी तलवार बाजू से लड़ता है। वह राघव तक पहुंचता है किसी भी तरह, जो शुरू में उस पर जो है हावी होता है, लेकिन जब राघव ने खुलासा किया कि उसने गुरु स्वामी की हत्या की थी, तो रोनि क्रोधित होकर जाता है और राघव को मारने के लिए जो है गुरु स्वामी के हस्ताक्षर चाल का उपयोग करता है। और अब खुशी से सिया के साथ वह गुरु स्वामी के स्कूल में नया शिक्षक बन जाता है, जहां अब जो है गुरु स्वामी की एक और मूर्ति बनाई जाती है और फिल्म इसी के साथ खुशी खत्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, और फिल्म के विकास के बारे में हम बात करते हैं। फिल्म की शूटिंग किस तरह से की गई थी और फिल्म में आपको कौन सी चीज़ देखने को मिला है सबसे बढ़िया, और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स दिया है। दोस्तों, आप इन तीनों फिल्मों में सबसे ज़्यादा कौन सी फिल्मों को पसंद करते हैं, बागी 1, बागी 2 या फिर बागी 3, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये तीनों फिल्म आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इन तीनों फिल्मों को YouTube पे किसी भी कंपनी ने अपलोड किया ही नहीं है और वैसे में मैं भी इस फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है हमारे YouTube चैनल पे आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है। फिल्म के अंदर टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के लिए प्रशिक्षित लिया था और स्टंट यानी कि कक्षाएँ भी ली थी। अब आपको बता दें, साजिद नदीदवाला ने टाइगर श्रॉफ के लुक को यानी कि गुप्त रखने के लिए 50 लोगों की एक विशेष टीम को काम पर रखा था। निर्माता नहीं चाहते थे कि फिल्म में उनकी भूमिका हीरोपंती में उनकी भूमिका से अलग होने के कारण जो है उनका लुक सामने आए। और तेलुगु अभिनेता सुधीर बाबू को बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हुए एक जो है नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए साइन अप किया गया था। बागी फिल्म की शूटिंग 27 मई 2015 को शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2016 को पूरी हुई थी और फिल्म को भारत और थाईलैंड में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। और सोमा किरल यानी कि पहले जो है कोची को फिल्म में साथी कर्म स्थान जो है गुरु स्वामी का स्कूल के रूप में दिखाया गया था और वहीं पर सांग सब 13 को विदेशी यानी कि पूरा द्वीप में फिल्माया गया। आपको बता दें, फिल्म शुक्रवार को रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने अपने पहले 3 दिनों में क्रमशः 19.4 मिलियन की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 11.13 करोड़ और ये पैसा इंडिया में कन्वर्ट कर दे तो 155.1 मिलियन की कमाई की। और अपने शुरुआती हफ्ता में कुल कलेक्शन फिल्म का 38.58 करोड़ का था। फिल्म ने अपने शुरुआती हफ्ता में 38.58 करोड़ की कमाई की और अपने 37 करोड़ के उत्पादन को पूरा किया, पूरा यानी कि कीमत, और साथ ही सातवें दिन तक जो है फिल्म ने 59.72 करोड़ रुपए की कमाई की थी कर ली थी। और बाकी मूवी का और बाकी फिल्म का दैनिक संग्रह जो है तीसरे दिन 15.51 करोड़ के शुद्ध स्तर पर जो है पहुँच गया और उसके बाद दूसरे हफ्ता के अंत तक फिल्म जो है यानी कि व्यापार का 79% जो है खो देने के बाद गिरावट हुई थी। और फिल्म ने अंततः भारत में 106.3 करोड़ और विदेशों में फिल्म ने 19.89 करोड़ की कमाई की। और कुल विश्वव्यापी सकल के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म अनुमान 125.92 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और यह फिल्म 126 करोड़ यानी कि टाइगर श्रॉफ के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फिल्म पहला बन गया। तो दोस्तों, ये फिल्म जो है पहला काफ़ी ज़्यादा सफल रहा, उसके बाद दूसरी मूवी आई वो भी सफल रही।
बागी फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 2.5 की स्टार रेखा दिया था और बागी केवल जो है इनकी झगड़े के दौरान जो है लिखित है। लेकिन आपको बता दें, जब तक जो है बागी और साथ ही घड़ी जो है चरमो तकाश की ओर जो है टिकती है, तब तक जो है आप यानी कि थक चुके होते हैं। आपको बता दें, टूटी हुई और साथ ही गर्दन जो है कुतली हुई इंडियो के लिए आप जो है कितना यानी कि होट कर सकते हैं और आप खोजने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो टाइगर श्रॉफ की कीक में जो है रोमांच है, लेकिन फिल्म के पास जो है देने के लिए और कुछ भी नहीं है। इंडिया जो है ग्लीच ने भी फिल्म को 5 में से 2.5 रेटिंग दिया और लिखा है कि बागी फिल्म में विद्रोही इंसाती कार्रवाई है जिसके कारण जो है इसके साथ जो है जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, जिसके कारण यह फिल्म जो है केवल उन लोगों को पूरा करेगा जो कि अच्छी एक्शन फिल्मों और साथ ही सिंगल स्क्रीन दर्शकों को पसंद करते हैं। मल्टीप्लेक्स और साथ ही पारिवारिक जो है दर्शकों को गैर नाटकीय नाटक के साथ जो है इनके गौर एक्शन पसंद नहीं हो सकता है। फिल्म कैंपेनियन ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग देते हुए लिखा है कि बागी उन लोगों की सबसे अच्छी सेवा करेगा जो कि रुचि रखते हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दिया और लिखा है कि संक्षेप में कराटे किड इंसाती जो है इनकी ब्लड स्पोर्ट फिल्म में प्रवेश करता है और साथ ही आवश्यक बॉलीवुड जो है गुणों को खोए बिना जो है यानी कि उनके साथ ओंक बक बनने की जो है जल्दी में दिखाई देता है और बागी ही यानी कि चमकती हुई फिल्म है। आपको बता दें, इंडिया एक्सप्रेस ने इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिया और लिखा है कि श्रद्धा कपूर पतली दिखती है फिल्म के अंदर और सुंदर दिखती है और बारिश में छमछम दोनों को यानी कि अंजाम देती है और साथ ही कुछ यानी कि राउंड हाउस जो है किक इन साथी घोसे अच्छी तरह से करती है। लेकिन बॉलीवुड की नायिका की तरह जो है फैशन में है और 70 और 80 के दशक के जो यानी कि पोर्ट बैरल वह जो है यानी कि हीरोपंती फिल्म की प्रमुख जो है महिला टाइगर श्रॉफ की पहली शब्बीर खान धारा निर्देशित की तरह जो है बालों से नहीं खींची जाती है, लेकिन बाकी सब कुछ जो है करती है और खलनायक की मंद में यानी कि सिंपल मुस्कान छोड़ती है। दोस्तों, आपको बता दें, इस वीडियो में हम बागी फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप लोग बागी फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। इस वीडियो में हम बागी मूवी की रिव्यू को लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। इस फिल्म के डायरेक्टर पर हम बात करें तो अहमद खान सर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं बागी 2 फिल्म के बारे में। तो बागी 2 फिल्म को रिलीज किया गया 2018 में। बागी फिल्म रणबीर रोनी एंड प्रताप सिंह की कहानी बतलाई गई है, जो एक भारतीय सेना अधिकारी है जो कि गोवा में अपनी पूर्व प्रेमिका की 3 साल की बेटी को उसके जो है अपहरणकर्ताओं के चुंगुल से छुड़ाने के लिए निकलता है। अगस्त 2017 में फिल्म के लिए साथ ही प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू हुई थी और इसे मुंबई, पुणे एंड साथ ही शंघाई, गोवा, चीन एंड साथ ही मनाली और थाईलैंड में शूट किया गया था। इस फिल्म को प्रिंट और साथ ही प्रचार लागत जो है सहित 590 मिलियन खर्च आए थे, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दी तो 7.7 मिलियन के बजट के साथ जो है समाप्त किया गया था। बागी 2 फिल्म को भारत में 35,000 यानी कि 3,500 स्क्रीनों सहित 30 मार्च 2018 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। हालांकि एक्शन दृश्य और कलाकारों के प्रदर्शन को प्रशंसा मिली थी, लेकिन इसकी साथ ही जो है अनसंगत पटकथा और निर्देशक के लिए फिल्म की आलोचना की गई थी और फिल्म ने 2018 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनने के लिए दुनिया भर में ये फिल्म 2.53 बिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 33 मिलियन से आधे की कमाई किया। तो चलिए अब इस फिल्म की कहानी के बारे में भी हम जानते हैं। ये फिल्म जो है तमिल वेटई पर आधारित है। एक दूसरा आध्यात्मिक जो है सीक्वल बागी 3 फिल्म 6 मार्च 2020 को जारी किया गया था और साजिद नादिदवाला खान और श्रॉफ ने फिल्म के लिए वापसी की और जिसमें जो है कपूर ने महिला प्रधान भूमिका निभाई और पट्टानी एक विशेष गीत में सिर्फ दिखाई दी है। तो चलिए अब बागी 2 की कहानी को हम जानते हैं। इस फिल्म की कहानी पर बात कर तो इस लेख का कथानक जो है इनकी सारांश बहुत लंबा है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है मार्च 2022 में। नेहा एक जो है विवाहित महिला की एक बेटी रिया है, जिसे वह बहुत प्यार करती है। रिया के स्कूल के पहले दिन जो है नेहा पर जो है इनकी नकाब पोश जो है लोग हमला करते हैं और उसने पुलिस में जो है शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि लोग जो है रिया को ले गए हैं और पुलिस जो है इनकी छानबीन करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। इससे जो है निराश
निराश होकर नेहा ने पूर्व प्रेमी रणबीर रोनी प्रताप सिंह से मदद मांगी, जो भारतीय सेना के पैरा और साथ ही SF जो है सैनिक है। और पिछले दिनों रोनी ने नेहा से जो है कॉलेज के समय में मिला था और पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। कुछ घटनाओं के बाद जो है उसे भी रोनी से प्यार हो गया। हालांकि उसके पिता महेंद्र को कैंसर हो गया और मरने से पहले नेहा से अनुरोध किया कि वह एक धनी व्यवसायी शेखर से शादी करे। महेंद्र की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए नेहा ने रोनी के साथ जो है आंसू बहाए। हालांकि उन्होंने दोस्त बने रहने का फैसला किया। वर्तमान में वापस रोनी एक जानकी घबराई हुई नेहा से मिलता है और उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। वह थाने पहुँचते है जहाँ एक IR लेखक जो है इंस्पेक्टर शरद नेहा के साथ जो है दुर्व्यवहार करता है। साथ ही प्रतिशोध में रोनी उसकी जो है पिटाई करता है और एक ऐसी कार्यवाही है जो उसे गिरफ्तार और साथ ही करवाता है। लेकिन उन्हें जल्द ही DIG के अनुरोध पर जो है रिहा कर दिया गया। रोनी के साथ जो है कमांडिंग ऑफिसर जो है कर्नल जो है रंजीत के बैचमेट में अजय को लिया गया था। दोस्तों इस वीडियो में अभी हम रिव्यू कर रहे हैं बागी 3 फिल्म को, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। तो दोस्तों अगर आप बागी 3 फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता। इस वीडियो में हम बागी 3 मूवी के रिव्यू को लेकर हाजिर हुए हैं, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको फिर रिव्यू देखने को मिलता है। आपको बता दे रोनी को रंजीत धारा वापस जो है बेस पर बुलाया जाता है, लेकिन एक स्थानीय शारीरिक रूप से सक्षम यानी एजेंट जो है उस्मान के साथ यात्रा करते समय अपना जो है मन बदल लेता है, जिसकी जो है मदद उसने जो है यानी कि मांगी है। और आपको बता दे वह रिया के स्कूल जाता है जहाँ पे परछाई ने स्कूल इन साथी परिसर में अपहरण की और किसी भी घटना से जो है इनकार किया है। रोनी शेखर के भाई सनी से जो है मिलता है, जो एक ड्रग एडिक्ट है, और उसके पीछे एक जो है यानी कि बिल्डिंग में जाता है जहां उसे पता चलता है कि उस्मान ड्रग एंड साथी जो है पेडलिंग में शामिल है। इसी प्रक्रिया में रोनी दो लोगों से लड़ता है और उसे हरा देता है। वह जो है यानी कि उस्मान से रिया के बारे में पूछता है, लेकिन जो है उस्मान को कुछ पता नहीं लगता है। इसी बीच जो है पुलिस आयुक्त लोहा सिंह को जो है यानी कि ढोल को मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शेखर रोनी से मिलता है और बताता है कि नेहा को पोस्ट यानी कि ट्रामेटिक जो है स्ट्रेस और साथ ही डिसऑर्डर हो गया था और वह एक बेटी रिया होने के बारे में मति भ्रम करने लगी थी, जबकि यह भी कहा गया था कि उसकी कोई बेटी नहीं है। रोनी जो है इनकी CCTV फुटेज की जांच करता है और कार में नेहा के अलावा और कोई नहीं पाता है। वह जो है गुस्से में नेहा पर चिल्लाता है और जो उसे जाने के लिए कहती है उसे जाने के लिए कहती है वह दीवार पर ऊंचाई यानी कि माप देखता है, जो कि दर्शाता है कि रिया एक असली बच्चा हो सकती है, और खुद पर जो है संदेह करना शुरू कर देता है। लेकिन यह बहुत देर हो चुकी है क्योंकि नेहा जो है ग्रिल से कूदती है और आत्महत्या कर लेती है और साथ ही असहाय महसूस करती है। जैसा कि आपको बता दे किसी को विश्वास नहीं होता हो सकता है। आखिरकार जो है यानी कि उस्मान ने रिया को एक होटल में रोनी से मिलने जाने की बात जो है स्वीकार की और उसने जो है सनी को ड्रग इंसाते डिलीवरी के लिए बुलाया। जब जो है उसने अपने आदमियों को आंखों पर पट्टी बांधकर रिया को मंद में ले जाते हुए देखा और उसने उस्मान को चुप करने के लिए पैसे दिए। वह एक बार में जाते हैं, रोनी सनी का पीछा करता है, लेकिन LSD रोनी को पकड़ लेते हैं, जिसे जो है उसने होटल में रुकने के लिए कहा था, और पुलिस जो है सनी से पूछताछ करती है, लेकिन अजय ने उसे जो है गर्म क्षण में गोली मार दी। और रोनी का कहना है कि उसके पास जो है सबूत है कि रिया जीवित है और उस्मान को अजय और साथ ही LSD से जो है यानी कि मिलवाया गया है। अब आपको बता दे अजय रोनी को अपने घर ले जाता है और कहता है कि उसने जो है एक दुर्घटना में अपना जो है परिवार खो दिया है और वही दो यानी कि हमलावर ने उसके परिवार को खत्म करा था।
रोनी का ये कहना है कि उसने अपने परिवार को दुर्घटना में अपना परिवार खो दिया। वही दो हमलावरों ने उस्मान की बेरहमी से पिटाई कर दी। रोनी वहां आता है और वहीं पे उस्मान को खून बह उस्मान को बहन की खून बह रहा होता देखता है, जो कि हमलावरों से लड़ते हैं, जो चोट लगने से उस्मान की मौत हो गई। रोनी एक हमलावर का फोन लेता है और अजय के घर में खुद की ली गई एक जो है तस्वीर देखता है, जिसमें जो है पता चलता है कि अजय ही मास्टरमाइंड है। वह अपने ठिकाने पर जाता है, जंगल में कई जो है गुंडों से लड़ता है और खून बहने पर हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर देता है। रोनी एक जो है व्यक्ति को मारता है जो कि रिया के पिता के रूप में काम करते हैं, लेकिन अजय द्वारा गोली मार दी जाती है, जिससे पता चलता है कि शेखर रिया से नफरत करता था और उसे अपहरण करने के लिए साथी उनके साथ भुगतान करता था। शेखर ने रिया की सारी तस्वीरें और उनके साथ जो है खिलौने जला दिए और अजय रोनी को मारने के लिए कोशिश करता है, लेकिन लोहा ने उसे मार डाला और रोनी बेहोश होने से पहले ही रिया को देखता है। और साथी LSD बताते हैं कि शेखर यानी कि बांझ शेखर बांझ था, जिसने जो है उसे यह कठोर यानी कि कदम उठाने के लिए प्रेरित किया था। इसका अर्थ है कि रिया रोनी की बेटी है और रोनी को याद है जब जो है नेहा ने उससे कहा था कि उसे शेखर से शादी करनी है, तो वह और नेहा प्यार करने लगे और अंत में रोनी रिया को अपने घर ले जाते हैं और कल्पना करते हैं कि नेहा उसे देखकर मुस्कुरा रही है। तो दोस्तों ये फिल्म भी यहीं पे मुस्कुराते हुए खत्म हो जाती है। और अब बात करते हैं पार्ट तीसरी मूवी की, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। दोस्तों आपको बता दे, बाकी टू फिल्म में टाइगर श्रॉफ जो है कैप्टन रणबीर रोनी के कैरेक्टर में नजर आए हैं, दिशा पतानी नेहा रावत के कैरेक्टर में नजर आई हैं, मनोज बाजपेयी फिल्म में डिग अजय शारगिल के कैरेक्टर में नजर आई हैं, एनसाते रणदीप हुड्डा फिल्म में SP लोहा सिंह के कैरेक्टर में नजर आए हैं और भी इसमें कई सारे जो है सहायक भूमिकाओं में नजर आए हैं कैरेक्टर। तो दोस्तों आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे मूवी और भी मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है। हम यहाँ पे किसी भी कंपनी की को अपलोड नहीं कर सकते, मैं सिर्फ मूवी की रिव्यू मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बदलाता हूं। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करें बाकी 3 फिल्म को, जिसे यूट्यूब पर आप नहीं देख सकते क्योंकि यूट्यूब पर इस मूवी को किसी भी कंपनी ने अपलोड नहीं किया है। तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम जानते हैं, फिल्म को कितने बजट में बनाया गया था और फिल्म ने दुनिया भर में कितनी कमाई किया है। बागी 2 फिल्म 1 मई 2017 को टाइगर श्रॉफ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर पोस्ट किया था। आपको बता दें फिल्म के निर्माता साजिद नदीदवाला ने फॉक्स स्टार स्टूडियो के साथ जो है सहयोग किया और फिल्म जो है फॉक्स स्टार स्टूडियो और साजिद नदीदवाला क्रिएशंस एंटरटेनमेंट के तहत रिलीज हुई थी। साथ ही प्रोग्राम में यह बताया गया था कि मुख्य महिला भूमिका के लिए जैकलिन फर्नांडिस और कृति सनोन पर जो है विचार किया गया था। हालांकि जून 2017 में श्रॉफ के साथ जो है स्क्रीन टेस्ट गुजरने के बाद जो है दिशा पतानी को कास्ट किया गया था। कलाकारों के बारे में बात करते हुए साजिद नदीदवाला ने कहा, वह एक जो है अद्भुत यानी कि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री साझा करती है, जो एक उनके लुक टेस्ट में जो है स्पष्ट थे, जो कि दिशा भूमिका के लिए बिल्कुल जो है सही है और मैं अपने जो है कलाकारों से खुश हूँ और साथ ही परियोजना को शुरू करने के लिए उत्साहित हूँ। टाइगर श्रॉफ एक्शन इंसाती डायरेक्टर जो है टोनी चिंग के अधीन जो है इनकी मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण के लिए उनके साथ हांगकांग गए हैं, जबकि जो है पटानी ने कलाबाजी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जुलाई 2017 में साजिद नदीदवाला ने नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रतीक जो है बब्बर को कास्ट किया था। फिल्म का निर्माण 590 मिलियन था और यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 8.38 मिलियन के बजट पर फिल्म को बनाया गया था। प्रधान फोटोग्राफर के बारे में हम बात कर तो 8 अगस्त 2017 को शुरू हुई शूटिंग की शुरुआत मुंबई में एक सेट पर मुख्य कलाकारों के एक गाने के साथ जो है शूट की गई थी, जिसके बाद जो है पुणे में फिल्म इन साथी यूनिवर्सिटी के परिसर में शूट किए गए थे। दृश्यों की शूटिंग जो है हुई थी और फिर टीम को जो यानी कि मनाली इन साथी थाईलैंड चीन गोवा और साथ ही लद्दाख में फिल्माया गया था। टाइगर श्रॉफ फिल्म के चरित्र का एक जो है कि यतान पूर्ण दृश्य फिल्माए थे और जबकि अभिनेता नगन भी इसमें काम किए थे। आपको बता दें फिल्म का पहला ट्रेलर 21 फरवरी 2018 को श्रॉफ और पठानी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह फिल्म 30 मार्च 2018 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। यह फिल्म 46 देशों में
4125 स्क्रीनों पे खुली थी, जिसमें जो है भारत में 3500 स्क्रीन मिले थे। आपको बता दें ये फिल्म जो है इनकी विकिपीडिया के पूर्णता मानकों को पूरा करने के लिए इसी यानी कि अनुभाग को सफाई की आवश्यकता हो सकती है। विशेष जो है विशिष्ट और साथ ही समस्या यह है कि इस फिल्म का सकल योग्य और साथ ही जटिल जो है गणित एवं साथ ही भव्य व्यक्ति एंड टेम्पलेट को उद्मत करने की आवश्यकता है। नवंबर 2019 में बागी 2 फिल्म ने अपने शुरुआती दिन में 251 मिलियन की कमाई की। 2018 के सबसे बड़े ओपनिंग डे कलेक्शन रहा फिल्म का पद्मावत मूवी आगे को चिन्हित करते हुए गुड यानी कि फ्राइडे मूवी की सबसे बड़ी ओपनिंग पिछले 15 महीनों में तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग टाइगर मूवी बन गया था। टाइगर जिंदा है मूवी और साथ ही गोलमाल अगेन फिल्म के बाद ये मूवी और एक एक्शन फिल्म के लिए जो है सातवीं सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म थी। एक मजबूत शुरुआती दिन के बाद यह फिल्म अपने दूसरे दिनों में धीरे धीरे 20 तक जो है यानी कि गिर गया था और अतिरिक्त फिल्म जो है 204 मिलियन की कमाई की। ऐसा करते हुए फिल्म ने केवल 2 दिनों में पहली फिल्म के पूरे जो है शुरुआती हफ्ता में 385.8 मिलियन को आग्रह कर लिया था और बॉक्स ऑफिस इंडिया का मानना था कि गुड फ्राइडे के कारण जो है शुक्रवार को आंशिक जो है आवश्यकता नहीं होती तो गिरावट कम हो सकती थी। 2 हफ्ते के बाद जो फिल्म ने भारत में 1903.2 से अधिक की कमाई की थी और विदेशों में फिल्म ने इसने एक हफ्ते में 6.4 मिलियन से अधिक की कमाई किया, जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर 470.6 मिलियन कमाए थे। और फिल्म ने दुनिया भर में 297 करोड़ से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर 39.3 मिलियन की कमाई की और ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म बन गया था। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं क्रिटिक्स के बारे में कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स दिया है। दोस्तों आपको बता दें क्रिटिक्स जितनी ही अच्छी रिस्पॉन्स देती है फिल्म उतना ही अच्छा होता है। तो अब हम बात करते हैं क्रिटिक्स के बारे में कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को कितना रिस्पॉन्स दिया है। दोस्तों अगर आप लोग बागी 2 फिल्म को देख चुके हो तो इस फिल्म को आप कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बागी 2 फिल्म को आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर फिल्म बागी 2 को 11 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 4.10 की औसत रेटिंग दी गई है और इसी के साथ 36 की साथ ही स्वीकृति रेटिंग भी इस फिल्म को मिला हुआ है। इस फिल्म के बारे में राजीव मंसद ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा है कि बागी 2 फिल्म को देखकर निराशा के अलावा जो है कुछ भी महसूस करना मुश्किल है। यह देखते हुए कि कैसे जो है फिल्म निर्माता ने केंद्रीय विचार की क्षमता को बर्बाद कर दिया है। 2016 की साथ ही जो है तेलुगु हिट एनसाथी छनम मूवी यह जो है रिमेक है और एक जो है यानी तूत्रपूर्ण स्क्रिप्ट है और स्पष्ट रूप से निर्देशक जो है अहमद खान की ओर से कला जो है निर्देशन और धारा जो है यानी कि लौटा गया है। आपको बता दें हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वर्ष ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक बुरी तरह से साथ ही नियोजित मूवी है और पटकथा है जो यह नहीं जानती है कि यह क्या चाहती है। साथ ही होने वाला है रेम्बो के मिशन का पीछा करने से लेकर जो है यानी कि दम मारो दम से बैटन जो है यानी कि लेंथ किया जो है यानी कि किताब में हर यानी कि हथकंडा आजमाता है और उन्हें और यानी कि खराब करने में कामयाब होता है और उन्होंने इस फिल्म को 5 में से 1 का ही दर्जा दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की सुप्रा गुप्ता ने इस फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और कहा है कि एक जो है यानी कि प्लॉट की तलाश में एक फुल ऑन और साथ ही मसाला फिल्म के साथ जो है यानी कि परेशानी फिल्म के अंश पुल के तरीके से स्पष्ट है। नंगे हड्डियों को उधार लिया जाता है तेलुगु थ्रिलर यानी कि साथ ही जो है यानी कि सनम मूवी से, लेकिन फिल्मिंग जो है पूरी तरह से बॉलीवुड है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रचित गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और कहा है कि निर्देशक अहमद खान की फिल्म जो है सार के लिए साथ ही शैली का व्यापार करती है। एक्शन सीक्वेंस जो है स्लीक और साथ ही दिखते हैं लेकिन वह पूरी तरह से साथ ही अनुवक्त है और थोड़ा यहाँ पे अधिक जो है महसूस करते हैं। यह फिल्म निराशाजनक है। एक्शन इंसाती कोरियोग्राफी है और स्टंट से यानी कि प्रभावित करने से
प्रभावित करने के इसी प्रयास में कहानी को नुकसान भी होता है। एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने इस फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग देते हुए कहा है कि बाकी 2 फिल्म सिनेमा के एक जुहानी की साथ वैस्तिक और साथ ही जुहानी के टुकड़े की तुलना में 2.5 घंटे का स्टंट शो है। न तो दिल और न ही दिमाग एक मौका खड़ा करता है। साथ ही 22 पेंस और साथ ही पेक्स और बंद जो है मुठ्ठियों के इसी यानी कि अथक हमले से बचने के लिए ये मूवी बनाई गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बाकी 3 फिल्म को। अगर आप लोग बाकी 3 फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की फुल हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं और फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को बता रहे हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बात करें फिल्म की घोषणा के बारे में, तो बागी 3 मूवी की घोषणा 2018 में की गई थी। टाइगर श्रॉफ के साथ साजिद नदीतवाला एनक्रेंसन एंटरटेनमेंट द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पर एक टीजर पोस्टर जारी करने से की थी। आपको बता दें फिल्म 12 फरवरी 2019 को श्रद्धा कपूर को टाइगर श्रॉफ के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। जून में यह घोषणा की गई थी कि रितेश देशमुख फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए हैं। अगस्त 2019 में यह घोषणा की गई थी कि फिल्म की शूटिंग जो है मोरक्को, मिस्र, सर्बिया और तुर्की में होगी। प्रिंसिपल फोटोग्राफर अगस्त 2019 में मुंबई में शुरू हुई और अक्टूबर 2019 में पूरी की गई थी। यह फिल्म 6 मार्च 2020 को भारत में नाटकीय रूप से जारी किया गया था। आपको बता दें बागी 3 फिल्म ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पे 70.50 करोड़ रुपए की कमाई की, जो 2020 की बॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक का सबसे अधिक ओपनिंग डे कलेक्शन था। 15 मार्च 2020 तक भारत में 110.65 करोड़ रुपए और विदेशों में फिल्म ने 24.42 करोड़ रुपए की कमाई के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 137.5 करोड़ का सकल संग्रह किया है और 2020 की दुनिया और 2020 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाला बॉलीवुड फिल्म बन गया है। बागी 3 को आमतौर पर आलोचकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने लेखन और खान के निर्देशन की आलोचना करते हुए उनके साथ प्रदर्शन और एक्शन दृश्य और छायांकन की प्रशंसा करते हुए फिल्म को 5 में से 3 सितारों की रेटिंग दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा के साथ जो है लेकिन आस्तीन जो है केम राव और साथ ही सीजीआई और लेखन के लिए आलोचना के साथ जो है फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिया है। और आपको बता दें CNN न्यूज 18 की राजीव मंसद ने निर्देशक जो है तर्कहीन एक्शन सीक्वेंस और कथानक की आलोचना करते हुए फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दिए हैं और फिल्म को फुला हुआ और काफी अच्छा कहा है। अब बात करते हैं फिल्म के अभिनेत्री श्रद्धा कपूर मैम के बारे में। अभिनेता शक्ति कपूर की बेटी है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2020 की हिट फिल्म 3 पत्ती में एक संक्षिप्त भूमिका के साथ की थी और इसके बाद किशोर नाटक लव का द एंड फिल्म 2011 में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई थी। आपको बता दें व्यावसायिक रूप से सफल जो है रोमांस फिल्म आशिकी 2 फिल्म 2013 में एक गायिका की भूमिका निभाने के लिए कपूर को सफलता मिली थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। और उसी वर्ष उन्होंने विशाल भरद्वाज की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित जो है नाटक हैदर फिल्म 2014 में ओफेलिया पर आधारित एक चित्रण को चित्रित इन्होंने किया था। श्रद्धा कपूर ने रोमांटिक थ्रिलर फिल्म एक विलन मूवी 2014 में एंड डांस ड्रामा फिल्म एबीसीडी 2 फिल्म 2015 में अभिनय की और एक्शन फिल्म बागी फिल्म 2016 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ खुद को स्थापित किया। खराब फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज फिल्म कॉमेडी हॉरर स्ट्री फिल्म 2018 की एक्शन थ्रिलर मूवी साहो 2019 की और साथ ही कॉमेडी ड्रामा फिल्म छिछोरे मूवी 2019 के साथ आई थी। आपको बता दें श्रद्धा कपूर ने फिल्मों में अभिनय के अलावा अपने कई फिल्मी गाने भी खुद गाए हैं। वह कई ब्रांडों और उत्पादों के लिए सेलिब्रिटी एंडोर्सर भी है। 2015 में उन्होंने कपड़ों की अपनी लाइन लॉन्च की है। आपको बता दें श्रद्धा कपूर 2011 में लव का द एंड फिल्म के प्रचार कार्यक्रम में कपूर ने अमिताभ बच्चन के बेन और साथी किंग्सले और आर माधवन के साथ 2010 के नाटक 3 पत्ती फिल्म में अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने एक कॉलेज गर्ल की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई। फिल्म को आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली थी, हालांकि उनके प्रदर्शन को बेहतर रूप से प्राप्त किया गया था। फिल्म के बारे में Rediff.com के लिए लेखन वाली प्रति जोहन की और प्रीति अरोरा ने कहा कि हालांकि थोड़ी कच्ची यानी कि सामने बहुत उभरती है और भावनाएं हैं फिल्म के अंदर। और बात करें जो है निकहत काजमी ने समीक्षा की कि श्रद्धा कपूर एक तेज तरह इंसान है फिल्म के अंदर।
श्रद्धा कपूर की तीन पत्ती फिल्म के बारे में Redeem.com के लिए लेखन वाली प्रीति अरोड़ा ने कहा है कि हालांकि थोड़ी कच्ची और उसमें बहुत जो संभावनाएं रखी गई थी। आपको बतला दें, निखत काजमी ने समीक्षा की, श्रद्धा कपूर एक तेज तरार और साथ ही नौजवान के रूप में एक दिलचस्प शुरुआत करती है फिल्म के अंदर, जो कि इस लीज के लिए अपनी विशेषताओं को छोड़ देती है। कपूर को सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म पर पुरस्कार से नामांकित किया गया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही थी और अपनी शुरुआत के बाद उन्होंने यशराज फिल्म के साथ तीन फिल्मों का सौदा किया और उनकी 2011 की किशोर कॉमेडी लव का द एंड में ताहा के साथ अभिनय किया था और इनके तीन सौदों को जो है खत्म कर दिया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे बाकी थ्री फिल्म को जिसे 2020 में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद आपको पता है COVID-19 का दौरा चला, जिसके बाद जो है फिल्म में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई थी, लेकिन फिल्म अंत तक जो है अपने आप में काफी ज्यादा अच्छी कमाई भी किया और फिल्म 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाला दूसरा फिल्म बन गया। 2011 की किशोर कॉमेडी लव का द एंड ताहा शाह के साथ कपूर ने एक किशोर छात्रा की मुख्य भूमिका निभाई जो अपने प्रेमी को धोखा देने के बाद उसके खिलाफ जो है साजिश रचती है फिल्म के अंदर और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे खराब प्रदर्शन किया और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई थी। हालांकि श्रद्धा कपूर के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली थी, स्वागत मिला। तरुण आदर्श ने लिखा है कि श्रद्धा कपूर जो है यानी कि रहस्य उद्घाटन दिखती है फिल्म के अंदर, जो आपको एक जो है आत्मविश्वास से भरे प्रदर्शन से अनजान करती है। जब वह अपने प्रेमी के सच्चे इरादों को जानने के बाद टूट जाती है तो वह अनुक्रम में विद्युती यानी कि विद्युतीकरण करती है और अपने प्रदर्शन के लिए कपूर को स्टारडस्ट भी मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए साथ ही सर्च लाइट अवार्ड भी मिला था। बाद में श्रद्धा कपूर को यशराज फिल्म के साथ अपने सौदे के लिए हिस्से के रूप में साथ ही औरंगजेब फिल्म मुख्य महिला भूमिका की पेशकश की गई। हालांकि उन्होंने इसके बजाय विशेष फिल्म की आशिकी 2 पर हस्ताक्षर किए, जिससे यशराज फिल्म के साथ तीन फिल्मों का अनुबंध रद्द कर दिया गया था। 2013 में श्रद्धा कपूर ने मोहित सूरी की रोमांटिक संगीत जो है नाटक आशिकी 2 फिल्म में अपनी सफल भूमिका पाई थी, जो 1990 की फिल्म आशिकी की अगली कड़ी थी। उन्हें एक छोटे शहर की बार जो है गायिका आरोही केशव की आरोही केशव सिरके के रूप में लिया गया था, जो एक जो है लोकप्रियता पुरुष गायक आदित्य रॉय कपूर के प्यार में पड़ जाती है। आदित्य रॉय कपूर धारा अभिनेता की मदद से एक सफल पार्श्व गायक बन जाती है और फिल्म 1.9 बिलियन से आधे की कमाई किया था, यानी कि यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर दे तो 14 मिलियन के विश्वव्यापी राजस्व के साथ फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे बड़ी सफलता थी। फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने श्रद्धा कपूर को वास्तविक विजय कहा और कहा कि उनके चीनी मिट्टी के चेहरे में एक भव्य एन साथी व्यक्ता है। हालांकि इंडिया टुडे के साथी जो है विनायक चक्रवर्ती ने लिखा है कि वह सुंदर दिखती है फिल्म के अंदर, हालांकि चिंगारी जोड़ने में विफल रहती है। श्रद्धा कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में कई नामांकन प्राप्त हुए थे, जिनमें से एक जो फिल्म फेयर पुरस्कारों में भी शामिल है। उस वर्ष वह जो है इमरान खान के चरित्र की मंगेतर की भूमिका निभाते हुए रोमांटिक कॉमेडी गोरी तेरे प्यार में एक अतिथि भूमिका में दिखाई दी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे श्रद्धा कपूर की फिल्म बाकी थ्री मूवी को जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों, अगर आप भी बाकी थ्री फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे बाकी थ्री फिल्म को और अभी हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री श्रद्धा कपूर मैम की रियल लाइफ के बारे में। अगर आप श्रद्धा कपूर की फैन हैं और इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। श्रद्धा कपूर ने अगली बार सूरी के साथ थ्रिलर एक विलन फिल्म 2014 के लिए फिर से काम किया, जिसके लिए उन्होंने गलिया गीत भी गाया था। फिल्म एक कठोर अपराधी सिद्धार्थ मल्होत्रा धारा अभिनीत की कहानी बतलाई गई है, जिसकी गंभीर रूप से बीमार पत्नी कपूर धारा अभिनीत की एक जो सीरियल किलर धारा बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। फिल्म को आमतौर पर जो है कोरियाई फिल्म आइस सात यानी कि डेविल से उनके साथ जो है साहित्यिक चोरी माना जाता था। हालांकि सूरी ने दावा किया कि यह एक मूल फिल्म थी और अपनी समीक्षा में फिल्म फेयर की साथी रेडिंटा टंडन ने फिल्म को साथी किरकिरा आकर्षक थ्रिलर कहा और कहा कि श्रद्धा कपूर इस फिल्म में एक जो है रहस्य उद्घाटन थी। फिल्म अंततः 1 बिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 13 मिलियन से अधिक के घरेलू राजस्व के साथ प्रमुख व्यवसायिक सफलता के रूप में उभरी। उसी वर्ष उनकी दूसरी रिलीज फिल्म विशाल भरद्वाज की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नाटक हैदर फिल्म थी,
जो कि बिलियन एंड शेक्सपियर के हेमलेट का एक रूपांतरण फिल्म था, जिसे 1995 के कश्मीर संघर्ष के दौरान सेट किया गया था। उन्होंने शाहिद कपूर और तब्बू के साथ जो है यानी कि ओफेलिया इंसाती आधारित चरित्र आर्सिया नाम की एक जो है पत्रकार की भूमिका निभाई थी। डेक्कन क्रॉनिकल के लिए लेखन आलोचक जो है कुसी मिता दास ने उनके चरित्र की विभिन्न और साथ ही बारीकियों से पकड़ने में कपूर के प्रयास की प्रशंसा की और कहा कि उनका चित्रण जो है आश्चर्यजनक रूप से रचित थी। उसी वर्ष भी कपूर ने करण जौहर के निर्मित जो है थ्रिलर उंगली में एक आइडल नंबर वन भी किया था। अब 2015 में श्रद्धा कपूर ने ABCD 2 नामक डांस फिल्म ABCD एनीबडी कैन डांस की अगली कड़ी फिल्म में अभिनय की। उन्होंने एक हिप हॉप डांसर की भूमिका फिल्म में निभाई, जिसने अपने बचपन के दोस्त सुरेश मुकुंद के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय हिप हॉप प्रतियोगिता में भाग लिया। और वरुण धवन धारा जो है अपनी भूमिका की तैयारी में उन्होंने कोरियोग्राफर प्रभु देवा एन रेमो डिसूजा से नृत्य की विभिन्न शैलियों को सीखा। वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर द्वारा निर्मित की गई इस फिल्म ने दुनिया भर में 1.57 बिलियन से अधिक की कमाई किया और फिल्म यूएसए डॉलर में कन्वर्ट कर दे तो बॉक्स ऑफिस में 21 मिलियन से अधिक की कमाई किया था यूएसए डॉलर की, और उस समय तक उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाला ये फिल्म बन गया। तो दोस्तों, श्रद्धा कपूर की मज़ेदार फिल्मों के बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। अगर आप श्रद्धा के फैन हैं और इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में हम करें बागी 3 फिल्म को, जिसे 2020 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और फिल्म रिलीज होते ही COVID-19 का एक लंबा दौर चला, जिसके बाद फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाया, लेकिन अंत तक फिल्म जो है 2020 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फिल्म रहा। श्रद्धा कपूर ने 2016 की शुरुआत एक्शन ड्रामा बागी में स्टार टाइगर श्रॉफ की प्रेम रुचि के रूप में, जो एक जो है मार्शल आर्ट स्कूल की पृष्ठभूमि के खिलाफ विद्रोही प्रेमियों की एक जोड़ी के बारे में थी। भूमिका के लिए उन्हें जो है यानी कि कलारी पेट और भारत के दक्षिण में उत्पन्न होने वाला एक जो है मार्शल आर्ट का अध्यास करने की आवश्यकता थी। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म में अपने चरित्र को साथी जो है दिनांकित माना, लेकिन सोचा कि उसने जो है रोमांटिक और एक्शन दृश्यों को काफ़ी अच्छा निभाया और व्यावसायिक रूप से फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन भी किया और कुल मिलाकर फिल्म ने 1.26 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो यूएसए डॉलर में कन्वर्ट कर दिया तो 17 मिलियन का संग्रह किया फिल्म ने। और 2016 में श्रद्धा कपूर की अंतिम रिलीज मूवी रॉक म्यूजिकल ड्रामा रॉक ऑन 2 फिल्म थी, जो 2008 की रॉक ऑन की अगली कड़ी थी और उन्हें जो है फरहान अख्तर और अर्जुन रामपाल और प्राची देसाई के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म के अंदर उन्होंने साथ ही अंतर्मुखी गायिका और की बोर्ड यानी कि वादक जो है जिया शर्मा की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई, जो अपने ही पिता के साथ जो है उपेक्षापूर्ण संबंधों का शिकार होती है। तैयारी के लिए उन्होंने अलग अलग जो है किताबें पढ़ने में समय बिताया और गायिका जो है समानता और साथ ही एडवर्ड्स के तहत जो है गायन का प्रशिक्षण लिया था। द हिंदू की नम्रता जोशी ने फिल्म को नापसंद किया और कपूर के प्रदर्शन को साथ ही स्वयं जो है सचेत रूप से नम्र और विनम्र माना। रॉक ऑन 2 फिल्म ने अपने 450 मिलियन यानी कि 5.9 मिलियन के साथ ही विनेश की भरपाई नहीं की। 2017 में श्रद्धा कपूर ने शाद अली की रोमांटिक ड्रामा ओके जानू फिल्म में आदित्य रॉय कपूर के साथ फिर से अभिनय किया। साथ ही मणि रत्नम की तमिल रोमांटिक ड्रामा फिल्म में कदल इंसाती कन मनी की रिमेक फिल्म का निर्माण करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन के बैनर के तले किया था। कपूर अगली बार जो है रोमांस इन हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म में दिखाई दिए थे, जिसमें उन्हें अर्जुन कपूर के साथ जोड़ा गया था। यह फिल्म चेतन भगत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित फिल्म थी और उन्हें जो है निर्देशक इंसाती मोहित सूरी के साथ फिर से मिलाया गया था। बाद की फिल्म की समीक्षा में हम आपको बता दें, NDTV के राजा सेन ने इसे जो है बेवकूफ इंसाती मन बुद्धि रोमांस माना और श्रद्धा कपूर की तीखी और साथ ही सराहनीय के रूप में आलोचना की थी। बाद में 2017 में श्रद्धा कपूर एंड साथी अपूर्वा लाखिया की हसीना पारक फिल्म में दिखाई दी, जो कि आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की बहन की बायोपिक थी, जिसने जो है खुद का अपराध मंडल चलाया। कपूर ने अपने भाई की साथी जो है कि सिद्धांत कपूर के साथ एंड साथी नाम मात्र की भूमिका निभाई, जिन्होंने इब्राहिम का किरदार फिल्म के अंदर निभाया था। फिल्म को नकारात्मक समीक्षाएँ मिली। फर्स्ट पोस्ट के अन्ना MM एंड साथी वेटिकेट ने श्रद्धा कपूर
कपूर के प्रदर्शन को पटकथा के रूप में नरम माना और कहा कि वह जो है परिपक्व और साथ ही खतरनाक दिखने की कोशिश करती है, लेकिन प्रयास बहुत अधिक दिखता है। उनकी 2017 की किसी भी रिलीज ने बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और ये फिल्म सारे ही फ्लॉप थे। और उसी दौर में बाकी वन फिल्म को भी रिलीज किया गया था, लेकिन बाकी फिल्म भी उतना ज़्यादा सफलता नहीं पाई। लेकिन इसकी अगली कड़ी और तीसरी कड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा सफल रहा, जिसकी इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं। आपको बता दें बागी 2 जब आया था तो ये फिल्म सफल रहा और बागी 3 आया तो ये भी सफल है और बागी 4 भी आपको 2022 तक देखने को मिल जाएगा सिनेमाघरों में। तो दोस्तों अगर आप लोग बागी फिल्म को YouTube पर देखना चाहते हो बागी 3 फिल्म को, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। श्रद्धा कपूर ने अगली बार कॉमेडी हॉरर फिल्म सत्री मूवी 2018 में राजकुमार राव के साथ अभिनय किया। आपको बता दें नालेबा इंसात किंग वंदित पर आधारित फिल्म में उन्हें एक रहस्यमय अनाम महिला के रूप में दिखाया गया, जिसे जो है राव के चरित्र से प्यार हो जाता है। समीक्षक सैबल चटर्जी ने फिल्म के नारीवादी उप पार्ट पर ध्यान दिया और कपूर को एक जो है रहस्यमय महिला के रूप में उपयुक्त रूप से जो है बर्फीले पाया। राजीव मंसद ने कहा कि वह अपने जो है चारों ओर रहस्य की हवा के साथ जो है आकर्षक आउट ऑफ एंसाती टाउन के रूप में अच्छी तरह से मिश्रित है। यह फिल्म 1.7 बिलियन यानी कि 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सकल कमाई के साथ स्त्री उस समय तक की उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज के रूप में उभरी। उसी वर्ष श्रद्धा कपूर ने ग्रामीण भारत में साथ ही बिजली के मुद्दे के बारे में एक सामाजिक जो है समस्या वाली फिल्म 32 मीटर चालू में शाहिद कपूर के साथ वापसी की। इस स्क्रिप्ट में मिले जो है सामाजिक संदेश के कारण वह इस परियोजना के लिए सहमत हो गई। स्टूडियो जो है क्री अर्ज एंटरटेनमेंट द्वारा क्रू को जो है परिश्रमित देने में विफल रहने पर जो है यानी कि फिल्मांकन विवाद में फंस गया था। एक संक्षिप्त जो है यानी कि अंतराल के बाद भूषण कुमार द्वारा परियोजना को संभालने के बाद उत्पादन फिर से शुरू हुआ। इंडिया टूडे के लिए लिखते हुए चारू ठाकुर ने कहा है कि श्रद्धा कपूर को जहाँ तक उनके अभिनय कौशल का सवाल है, उन्हें बहुत आगे जाने की जरूरत है। श्रद्धा कपूर जो है बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की बायोपिक में अभिनय करने के लिए प्रतिबद्ध थे, जिसका निर्देशन अमोल गुप्ते ने किया था, लेकिन कुछ दिनों के लिए फिल्म आने के बाद उन्होंने शेड्यूलिंग संघर्ष का हवाला देते हुए इसी प्रोजेक्ट से बाहर हो गई। उन्होंने सुजीत की त्रिभाषी एक्शन फिल्म साहो में प्रभास के साथ प्रमुख महिला की भूमिका निभाकर 2019 की शुरुआत की और ये फिल्म 5 बिलियन से अधिक की कमाई किया, यानी कि यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो ये फिल्म 46 मिलियन का बजट यानी कि पार कर गया और निर्मित सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। मीड डे के लिए एक दिन की समीक्षा में मयंक शेखर ने उनके हिस्से को बल्कि पीला और साथ ही व्यर्थ कहकर जो है खारिज कर दिया। फिल्म के तमिल और तेलुगु संस्करण ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इसका हिंदी संस्करण जो है व्यावसायिक रूप से सफल रहा। उनकी अगली फिल्म जो है रिलीज नीतीश तिवारी की छिछोरे मूवी थी, जो कि कॉलेज जीवन के बारे में एक जो है कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी और जिसमें सुशांत सिंह राजपूत सह कलाकार थे और मेन की उदिता झुंझुनवाला ने इस हॉस्टल इंसाती लाइफ के लिए एक जीवंत इंसाती श्रद्धांजलि करार दिया और कहा कि एक इसके जो है भूमिका के बावजूद श्रद्धा कपूर एक चलती और दिलचस्प जो है प्रदर्शन देती है दुनिया भर में। यह फिल्म 2 बिलियन से अधिक की कमाई किया एंड यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई के साथ यह फिल्म उनकी सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। श्रद्धा कपूर ने डांस फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म 2020 में वरुण धवन के साथ फिर से जुड़कर नए दशक की शुरुआत की, जिसे जो है नम्रता जोशी ने उवेक प्रदर्शन का संकल्प करार दिया और इसने जो है व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और इसके बाद उन्होंने साथ ही आध्यात्मिक सीक्वल बागी 3 फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ जो है इनकी दोबारा काम किया था और कोविड-19 महामारी के कारण थिएटर बंद होने के कारण जो है इसने व्यावसायिक रूप से कमजोर प्रदर्शन किया। तो दोस्तों इस फिल्म के निर्माता बागी 3 मूवी के निर्माता ये चाहते थे कि दोबारा से इस फिल्म को रिलीज करें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इस फिल्म को दोबारा सिनेमाघरों के वजह इस फिल्म को सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। तो बागी फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट पर हम बात करें तो टाइगर श्रॉफ, रितेश देशमुख, श्रद्धा कपूर, अंकित लोखंडे ने इस फिल्म में अभिनय की है और फिल्म को डायरेक्ट की है अहमद खान ने। दोस्तों आपको बता दें बागी में तीसरा किस्त मूवी है, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। सबसे पहला फिल्म 2016 में आया था बागी मूवी और ये फिल्म उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर एंड सुधीर बाबू ने अभिनय किए थे और इस फिल्म को डायरेक्ट किए थे
शब्बीर खान ने और इस फिल्म की कहानी संजीव दत्त ने लिखे थे। और फिल्म के प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें तो साजिद नदीत वाला ग्रैंड साउंड एंटरटेनमेंट के बैनर के तहत इस फिल्म को बनाया गया था और यह फिल्म 29 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई थी। तो चलिए आइए इस फिल्म की कुछ कहानी के बारे में हम जानते हैं दोस्तों, क्योंकि ये तीनों फिल्म एक सा रिलेटेड है, यानी कि ये तीनों फिल्म जो है सेम टू सेम है, थोड़ी थोड़ी चेंजेस की गई है, नाम का यहाँ पे फर्क है। बागी 1, बागी 2 एंड बागी 3 और बागी 4 भी आने वाला है। और ये टाइगर श्रॉफ की जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म भी हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा सीरीज इनकी जिंदगी में कोई भी फिल्म नहीं है। आपको बता दें बागी फिल्म 29 अप्रैल 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी और 370 मिलियन यानी कि यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 4.9 मिलियन के बजट पर बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 1.27 मिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 17 मिलियन से अधिक की कमाई की। बाद में इसने दो आध्यात्मिक सीक्वल बागी 2 2018 और बागी 3 फिल्म 2020 को जन्म दिया। इसी प्रकार बागी फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त बन गई और फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन कलाकारों के एक्शन दृश्य और प्रदर्शन की प्रशंसा भी इस फिल्म में किया गया था। बागी 1 फिल्म के कहानी के बारे में बात करते हैं, फिल्म मार्शल आर्ट यानी कि चैंपियन और खूंखार गैंगस्टर राघव शेट्टी सुधीर बाबू के साथ शुरू होती है, जो सिया खुराना श्रद्धा कपूर को हैदराबाद में उसकी फिल्म के सेट से अपहरण कर लेते हैं। उसे जो है बैंकॉक ले जाते हैं और सिया के पिता पीपी खुराना और साथ ही सुनील ग्रोवर निर्माता जो है दसना के साथ जो है सरकारी कार्यालय और पुलिस के पास जो है मदद के लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी सहायता के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि राघव एक जो है प्रभावशाली व्यक्ति है और भारत और साथ ही थाईलैंड के बीच जो है कोई भी यानी कि पर्याप्त नहीं है और साथ ही जो है संगी जो इनके अस्तित्व में नहीं है और खुराना तो यानी कि साथ ही जो दसना को झुका देता है और उसके साथ जो है सिया का पूर्व प्रेमी रणबीर रोनी सिंह जो है इनकी टाइगर श्रॉफ की यानी कि टाइगर श्रॉफ नौकरी के लिए एकमात्र सही जो है विकल्प है उसके लिए। शुरू में हिचकिचाते हुए रोनी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाते हैं, क्योंकि उसे यानी कि सुबू के इलाज के लिए पैसे की जरूरत होती है, जो एक जो है मुख्य युवा लड़के हैं और जिसका जो है इलाज उसके मुखर रागों के लिए किया जाता है। और फ्लैशबैक में रोनी और सिया को ट्रेन में मिलते हुए दिखलाया गया है और राघव भी सिया को अगले रेलवे स्टेशन पर देखता है और उसे पसंद करने लगता है। वह अपने आदमियों से उसके बारे में जानकारी हासिल करने को कहता है। रोनी एक जो है निश्चिंत और साथ ही कैलाश शेट्टी उर्फ यानी कि गुरु स्वामी के मार्शल आर्ट स्कूल का दौरा करता है, जो वास्तव में राघव के पिता हैं और साथ ही केरल के कोल्लम में उनके साथ गुरु स्वामी को लिखे एक पत्र में रोनी के पिता जो यानी कि समरजीत सिंह अरुण बाली जो सेना से उनके पूर्व इन साथी बैचमेट होते हैं और बताते हैं कि रोनी एक विद्रोही इंसान है और रोनी को एक अच्छा इंसान बनने के लिए कहते हैं। रोनी और सिया प्यार में पड़ जाते हैं और सिया उसे पीपी से मिली एक जो है अंगूठी देती है, उसे हमेशा रखने के लिए कहती है। राघव खुराना से सिया का हाथ मांगता है और खुराना जो है लालच में खो जाता है जब वह देखता है कि राघव सिया के लिए कितना पैसा देता है। वह सिया को राघव को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वह देखता है कि रोनी के पास सिया की अंगूठी है तो उसे पता चलता है कि वह रोनी से प्यार करती है। वह राघव को सूचित करता है, जो रोनी को मारने का फैसला करते हैं। रोनी यहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है सिया से इस फिल्म के अंदर। और आपको बता दें ये फिल्म एक्शन थ्रिलर मूवी है जो 2016 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म सफल रही क्योंकि फिल्म ने बहुत ही अच्छा कमाई किया, जिसके वजह से इस फिल्म के निर्माता पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को बनाया है और ये दोनों पार्ट भी सफल रहा। अब पार्ट 4 भी इसका बहुत जल्द आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगा। फिल्म के आगे क्या होता है चलिए बात करते हैं। गुरु स्वामी ने रोनी को मारने के बारे में राघव की बातों को सुन लिया है और उसे ऐसा करने से मना कर दिया। राघव जो है अपमानित महसूस करता है और जहर देता है और उसे रास्ते से हटाने के लिए उसे मार देता है। रोनी ने राघव के आदमियों की पिटाई की जब वह जो है सुबू के साथ जो है हाथापाई करते हैं, जो रोनी का करीबी है और केवल जो है राघव को बाद में गिरफ्तार करने के लिए जब वह जो है गुरुस्वामी के लिए शोक मानता है, जिसे वह एक पिता के रूप में देखना शुरू कर देता है। साथ ही जो है खुराना फिर से सिया और रोनी के बीच उन्हें जो है अलग करने के लिए एक जो है यानी कि साथ ही जो है गलतफहमी पैदा करता है,
जो काम करता है और दोनों जो है अलग हो जाते हैं। वर्तमान में वापस जो है रोनी एंड सतीश बैंकॉक पहुंचता है और राघव का ध्यान आकर्षित करने के लिए वहां के सबसे जो है शक्तिशाली फाइटर को हराकर राघव के फाइट जो है क्लब का दौरा करता है। और अगले दिन रोनी राघव के दाहिने हाथ के आदमी बिज्जू के घर में जो है घुस जाता है और बिज्जू की पत्नी को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है, जिससे वह सिया के स्थान को प्रकट करने के लिए मजबूर करता है। और यह पता चलता है कि स्थानीय अस्पताल में थी और रोनी सिया को बचाती है और डॉक्टर और नर्स के वेश में दोनों के साथ जो है वहाँ से भाग निकलते हैं। दोनों भारत वापस जाने के रास्ते में एक जो है द्वीप पर जो है रुकते हैं, जहाँ सिया को अपने पिता के धोखे का पता चलता है। जब वह जो है देखती है कि रोनी अभी भी उसकी अंगूठी पहने हुए है, दंपति में सुलह हो जाते हैं, लेकिन राघव और उसके आदमी उन पर जो है हमला कर देते हैं और बीजू ने रोनी को गोली मार दी, जो कि चट्टान से गिर जाता है। राघव सिया को वापस अपने जो है स्थान पर ले जाती है, लेकिन सिया को पता चलता है कि रोनी जीवित है और राघव को उसकी जो है आक्रामक उपस्थिति के बारे में कुछ जो है क्षण बाद में सतर्क किया जाता है। यह पता चलता है कि बीजू ने अपनी जो है बंदूक में खाली गोलियां का इस्तेमाल किया था और उसे जो है बकस दिया था, क्योंकि रोनी ने पहले ही अपनी पत्नी की जान बचाई थी और बीजू का दावा है कि उसने जो है रोनी को बकस दिया क्योंकि वह उसे सही मानता था, लेकिन राघव ने उसका गलत यानी कि काट दिया लेकिन राघव ने उसका गला काट दिया। रोनी राघव की इमारत पर जो है धावा बोल दिया है और अकेले ही राघव के काम में लगे सभी जो है हथियारों और साथी तलवार बाजू से लड़ता है। वह राघव तक पहुंचता है किसी भी तरह, जो शुरू में उस पर जो है हावी होता है, लेकिन जब राघव ने खुलासा किया कि उसने गुरु स्वामी की हत्या की थी, तो रोनी क्रोधित होकर जाता है और राघव को मारने के लिए जो है गुरु स्वामी के हस्ताक्षर चाल का उपयोग करता है। और अब खुशी से सिया के साथ वह गुरु स्वामी के स्कूल में नया शिक्षक बन जाता है, जहां अब जो है गुरु स्वामी की एक और मूर्ति बनाई जाती है और फिल्म इसी के साथ खुशी खत्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, और फिल्म के विकास के बारे में हम बात करते हैं, फिल्म की शूटिंग किस तरह से की गई थी और फिल्म में आपको कौन सी चीज़ देखने को मिला है सबसे बढ़िया, और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स दिया है। दोस्तों, आप इन तीनों फिल्मों में सबसे ज़्यादा कौन सी फिल्मों को पसंद करते हैं, बाकी 1, बाकी 2 या फिर बाकी 3, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये तीनों फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इन तीनों फिल्मों को यूट्यूब पे किसी भी कंपनी ने अपलोड किया ही नहीं है और वैसे में मैं भी इस फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है। फिल्म के अंदर टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के लिए प्रशिक्षित लिया था और स्टंट यानी कि कक्षाएँ भी ली थी। अब आपको बता दें, साजिद नदीदवाला ने टाइगर श्रॉफ के लुक को यानी कि गुप्त रखने के लिए 50 लोगों की एक विशेष टीम को काम पर रखा था। निर्माता नहीं चाहते थे कि फिल्म में उनकी भूमिका हीरोपंती में उनकी भूमिका से अलग होने के कारण जो है उनका लुक सामने आए। और तेलुगु अभिनेता सुधीर बाबू को बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हुए एक जो है नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए साइन अप किया गया था। बागी फिल्म की शूटिंग 27 मई 2015 को शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2016 को पूरी हुई थी और फिल्म को भारत और थाईलैंड में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था। और सोमा किरल यानी कि पहले जो है कोची को फिल्म में साथी कर्म स्थान जो है गुरु स्वामी का स्कूल के रूप में दिखाया गया था और वहीं पर सांग सब 13 को विदेशी यानी कि पोडा द्वीप में फिल्माया गया। आपको बता दें, फिल्म शुक्रवार को रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने अपने पहले 3 दिनों में क्रमश 19.4 मिलियन की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 11.13 करोड़ और ये पैसा इंडिया में कन्वर्ट कर दे तो 155.1 मिलियन की कमाई की और अपने शुरुआती हफ्ता में कुल कलेक्शन फिल्म का 38.58 करोड़ का था। फिल्म ने अपने शुरुआती हफ्ता में 38.58 करोड़ की कमाई की और अपने 37 करोड़ के उत्पादन को पूरा किया यानी कि कीमत और साथ ही 7वें दिन तक जो है फिल्म ने 59.72 करोड़ रुपए की कमाई की थी और बाकी फिल्म का दैनिक संग्रह जो है तीसरे दिन 15.51 करोड़ के शुद्ध स्तर पर जो है पहुँच गया
और उसके बाद दूसरे हफ्ता के अंत तक फिल्म जो है यानी कि व्यापार का 79% जो है खो देने के बाद गिरावट हुई थी और फिल्म ने अंततः भारत में 106.3 करोड़ और विदेशों में फिल्म ने 19.89 करोड़ की कमाई की और कुल विश्वव्यापी सकल के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म अनुमान 125.92 करोड़ से अधिक की कमाई किया था और यह फिल्म 126 करोड़ यानी कि टाइगर श्रॉफ के करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फिल्म पहला बन गया। तो दोस्तों ये फिल्म जो है पहला काफ़ी ज़्यादा सफल रहा, उसके बाद दूसरी मूवी है वो भी सफल रही। बागी फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 2.5 की स्टार रेखा दिया था और बागी केवल जो है इनकी झगड़े के दौरान जो है लिखित है, लेकिन आपको बता दें जब तक जो है बागी और साथी घड़ी जो है चरमों तकाश की ओर जो है टिकती है तब तक जो है आप यानी कि थक चुके होते हैं। आपको बता दें टूटी हुई और साथी गर्दन जो है कुतली हुई इंडियो के लिए आप जो है कितना यानी कि होल्ड कर सकते हैं और आप खोजने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो टाइगर श्रॉफ की किक में जो है रोमांच है लेकिन फिल्म के पास जो है देने के लिए और कुछ भी नहीं है। इंडिया जो है ग्लीच ने भी फिल्म को 5 में से 2.5 रेटिंग दिया और लिखा है कि बागी फिल्म में विद्रोही इंसाफी कार्रवाई है जिसके कारण जो है इसके साथ जो है जुड़े हुए हैं। आपको बता दें जिसके कारण यह फिल्म जो है केवल उन लोगों को पूरा करेगा जो कि अच्छी एक्शन फिल्मों और साथ ही सिंगल स्क्रीन दर्शकों को पसंद करते हैं। मल्टीप्लेक्स और साथ ही पारिवारिक जो है दर्शकों को गैर नाटकीय नाटक के साथ जो है कि गौर एक्शन पसंद नहीं हो सकता है। फिल्म कैंपेनियन ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग देते हुए लिखा है कि बागी उन लोगों की सबसे अच्छी सेवा करेगा जो कि रुचि रखते हैं और हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दिया और लिखा है कि संक्षेप में कराटे किड इंसाती जो है कि ब्लड स्पोर्ट फिल्म में प्रवेश करता है और साथ ही आवश्यक बॉलीवुड जो है गुणों को खोए बिना जो है यानी कि उनके साथ ओंक बक बनने की जो है जल्दी में दिखाई देता है और बागी ही यानी कि चमकती हुई फिल्म है। आपको बता दें इंडिया एक्सप्रेस ने इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिया और लिखा है कि श्रद्धा कपूर पतली दिखती है फिल्म के अंदर और सुंदर दिखती है और बारिश में छमछम दोनों को यानी कि अंजाम देती है और साथ ही कुछ यानी कि राउंड हाउस जो है किक इन साथी घोसे अच्छी तरह से करती है लेकिन बॉलीवुड की नायिका की तरह जो है फैशन में है और 70 और 80 के दशक के जो यानी कि पोर्ट बैरर वह जो है यानी कि हीरोपंती फिल्म की प्रमुख जो है महिला टाइगर श्रॉफ की पहली शब्बीर खान द्वारा निर्देशित की तरह जो है बालों से नहीं खींची जाती है लेकिन बाकी सब कुछ जो है करती है और खलनायक की मंद में यानी कि सिंपल मुस्कान छोड़ती है। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम बागी फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप लोग बागी फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। इस वीडियो में हम बागी मूवी की रिव्यू को लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। इस फिल्म के डायरेक्टर पर हम बात करें तो अहमद खान सर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं बागी 2 फिल्म के बारे में। तो बागी 2 फिल्म को रिलीज किया गया 2018 में। बागी फिल्म रणबीर रोनी एंड प्रताप सिंह की कहानी बतलाई गई है जो एक भारतीय सेना अधिकारी है जो कि गोवा में अपनी पूर्व प्रेमिका की 3 साल की बेटी को उसके जो है अपहरणकर्ताओं के चुंगुल से छुड़ाने के लिए निकलता है। अगस्त 2017 में फिल्म के लिए साथी प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू हुई थी और इसे मुंबई पुणे इन साथी शंघाई गोवा चीन इन साथी मनाली और थाईलैंड में किया गया था। इस फिल्म को प्रिंट और साथ ही प्रचार लागत जो है सहित 590 मिलियन खर्च आए थे जो यूएसए में कन्वर्ट कर दी तो 7.7 मिलियन के बजट के साथ जो है समाप्त किया गया था। बागी 2 फिल्म को भारत में 35,000 यानी कि 3,500 स्क्रीनों सहित 30 मार्च 2018 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। हालांकि एक्शन दृश्य और कलाकारों के प्रदर्शन को प्रशंसा मिली थी लेकिन इसकी साथ ही जो है अनसंगत पटकथा और निर्देशक के लिए फिल्म की आलोचना की गई थी और फिल्म ने 2018 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनने के लिए दुनिया भर में ये फिल्म 2.53 बिलियन से अधिक की कमाई किया जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 33 मिलियन से आधे की कमाई किया। तो चलिए अब इस फिल्म की कहानी के बारे में भी हम जानते हैं। ये फिल्म जो है तमिल वेटई पर आधारित है। एक दूसरा आध्यात्मिक जो है सीक्वल बागी 3 फिल्म 6 मार्च 2020 को जारी किया गया था और साजिद नादिदवाला खान और श्रॉफ ने फिल्म के लिए वापसी की और जिसमें जो है कपूर ने महिला प्रधान भूमिका निभाई और पट्टानी एक विशेष गीत में सिर्फ दिखाई दी है। तो चलिए अब बागी 2 की कहानी को हम जानते हैं। इस फिल्म की कहानी पर हम
हम बात करें तो इस लेख का कथानक जो है इनकी सारांश बहुत लंबा है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है मार्च 2022 में। नेहा एक जो है विवाहित महिला की एक बेटी रिया है, जिसे वह बहुत प्यार करती है। रिया के स्कूल के पहले दिन जो है नेहा पर जो है इनकी नकाब पोष जो है लोग हमला करते हैं और उसने पुलिस में जो है शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि लोग जो है रिया को ले गए हैं और पुलिस जो है इनकी छानबीन करती है। लेकिन कुछ पता नहीं चलता है, इससे जो है निराश होकर नेहा ने पूर्व प्रेमी रणबीर रोनी प्रताप सिंह से मदद मांगी, जो भारतीय सेना के पैरा और साथी SF जो है सैनिक है। और पिछले दिनों रोनी ने नेहा से जो है कॉलेज के समय में मिला था और पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। कुछ घटनाओं के बाद जो है उसे भी रोनी से प्यार हो गया। हालांकि उसके पिता महेंद्र को कैंसर हो गया और मरने से पहले नेहा से अनुरोध किया कि वह एक धनी व्यवसायी शेखर से शादी करे। महेंद्र की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए नेहा ने रोनी के साथ जो है आंसू बहाए। हालांकि उन्होंने दोस्त बने रहने का फैसला किया। वर्तमान में वापस रोनी एक जहन की घबराई हुई नेहा से मिलता है और उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। वह थाने पहुँचते हैं, जहाँ एक IR लेखक जो है इनके इंस्पेक्टर शरद नेहा के साथ जो है दुर्व्यवहार करता है। साथ ही प्रतिशोध में रोनी उसकी जो है पिटाई करता है और एक ऐसी कार्रवाई है जो उसे गिरफ्तार और साथ ही करवाता है। लेकिन उन्हें जल्द ही DIG के अनुरोध पर जो है रिहा कर दिया गया। रोनी के साथ जो है कमांडिंग ऑफिसर जो है कर्नल जो है रंजीत के बैचमेट में अजय को लिया गया था। दोस्तों इस वीडियो में अभी हम रिव्यू कर रहे हैं बागी 3 फिल्म को, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। तो दोस्तों अगर आप बागी 3 फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता। इस वीडियो में हम बागी 3 मूवी के रिव्यू को लेकर हाजिर हुए हैं, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू देखने को मिलता है। आपको बता दें, रोनी को रंजीत धारा वापस जो है बेस पर बुलाया जाता है, लेकिन एक स्थानीय शारीरिक रूप से सक्षम यानी एजेंट जो है उस्मान के साथ यात्रा करते समय अपना जो है मन बदल लेता है, जिसकी जो है मदद उसने जो है इनकी मांगी है। और आपको बता दें, वह रिया के स्कूल जाता है जहाँ पे परचाय ने स्कूल इन साथी परिसर में अपहरण की और किसी भी घटना से जो है इनकार किया है। रोनी शेखर के भाई सनी से जो है मिलता है, जो एक ड्रग एडिक्ट है, और उसके पीछे एक जो है यानी कि बिल्डिंग में जाता है जहां उसे पता चलता है कि उस्मान ड्रग एंड साथी जो है पेडलिंग में शामिल है। इसी प्रक्रिया में रोनी दो लोगों से लड़ता है और उसे हरा देता है। वह जो है यानी कि उस्मान से रिया के बारे में पूछता है, लेकिन जो है उस्मान को कुछ पता नहीं लगता है। इसी बीच जो है पुलिस आयुक्त लोहा सिंह को जो है इनकी ढोल को मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शेखर रोनी से मिलता है और बताता है कि नेहा को पोस्ट यानी कि ट्रामेटिक जो है स्ट्रेस और साथ ही डिसऑर्डर हो गया था और वह एक बेटी रिया होने के बारे में मति भ्रम करने लगी थी, जबकि यह भी कहा गया था कि उसकी कोई बेटी नहीं है। रोनी जो है इनकी CCTV फुटेज की जांच करता है और कार में नेहा के अलावा और कोई नहीं पाता है। वह जो है गुस्से में नेहा पर चिल्लाता है और जो उसे जाने के लिए कहती है बस जाने के लिए कहती है। वह दीवार पर ऊंचाई यानी कि माप देखता है, जो कि दर्शाता है कि रिया एक असली बच्चा हो सकती है, और खुद पर जो है संदेह करना शुरू कर देता है। लेकिन यह बहुत देर हो चुकी है क्योंकि नेहा जो है ग्रिल से कूदती है और आत्महत्या कर लेती है और साथ ही असहाय महसूस करती है। जैसा कि आपको बता दें, किसी को विश्वास नहीं होता हो सकता है। आखिरकार जो है यानी कि उस्मान ने रिया को एक होटल में रोनी से मिलने जाने की बात जो है स्वीकार की और उसने जो है सनी को ड्रग इंसाती डिलीवरी के लिए बुलाया। जब जो है उसने अपने आदमियों को आंखों पर पट्टी बांधकर रिया को मंद में ले जाते हुए देखा और उसने उस्मान को चुप करने के लिए पैसे दिए। वह एक बार में जाते हैं, रोनी सनी का पीछा करता है, लेकिन LSD रोनी को पकड़ लेते हैं, जिसे जो है उसने होटल में रुकने के लिए कहा था। और पुलिस जो है सनी से पूछताछ करती है, लेकिन अजय ने उसे जो है गर्म क्षण में गोली मार दी। और रोनी का कहना है कि उसके पास जो है सबूत है कि रिया जीवित है और उस्मान को अजय और
साथ ही LHD से जो है कि मिलवाया गया है। अब आपको बतला दे, अजय रोनी को अपने घर ले जाता है और कहता है कि उसने जो है एक दुर्घटना में अपना जो है परिवार खो दिया है और वही दो यानी कि हमलावर ने उसके परिवार को खत्म करा था। रोनी का ये कहना है कि उसने अपने परिवार को दुर्घटना में अपना परिवार खो दिया, वही दो हमलावरों ने उस्मान की बेरहमी से पिटाई कर दी। रोनी वहां आता है और वहीं पे उस्मान को खून बह उस्मान को जो है कि खून बह रहा होता देखता है, जो कि हमलावरों से लड़ते हैं, जो चोट लगने से उस्मान की मौत हो गई। रोनी एक हमलावर का फोन लेता है और अजय के घर में खुद की ली गई एक जो है तस्वीर देखता है। इसमें जो है पता चलता है कि अजय ही मास्टरमाइंड है। वह अपने ठिकाने पर जाता है, जंगल में कई जो है गुंडों से लड़ता है और खून बहने पर हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर देता है। रोनी एक जो है व्यक्ति को मारता है जो कि रिया के पिता के रूप में काम करते हैं, लेकिन अजय द्वारा गोली मार दी जाती है, जिससे पता चलता है कि शेखर रिया से नफरत करता था और उसे अपहरण करने के लिए साथ ही उनके साथ भुगतान करता था। शेखर ने रिया की सारी तस्वीरें और उनके साथ जो है खिलौने जला दिए और अजय रोनी को मारने के लिए कोशिश करता है, लेकिन लोहा ने उसे मार डाला और रोनी बेहोश होने से पहले ही रिया को देखता है। और साथ ही LHD बताते हैं कि शेखर यानी कि बांझ शेखर बांझ था जिसने जो है उसे यह कठोर यानी कि कदम उठाने के लिए प्रेरित किया था। इसका अर्थ है कि रिया रोनी की बेटी है और रोनी को याद है जब जो है नेहा ने उससे कहा था कि उसे शेखर से शादी करनी है, तो वह और नेहा प्यार करने लगे और अंत में रोनी रिया को अपने घर ले जाते हैं और कल्पना करते हैं कि नेहा उसे देखकर मुस्कुरा रही है। तो दोस्तों ये फिल्म भी यहीं पे मुस्कुराते हुए खत्म हो जाती है। और अब बात करते हैं पार्ट तीसरी मूवी की, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। दोस्तों आपको बता दे, बाकी टू फिल्म में टाइगर श्रॉफ जो है कैप्टन रणबीर रोनी के कैरेक्टर में नजर आए हैं, दिशा पटानी नेहा रावत के कैरेक्टर में नजर आई हैं, मनोज बाजपेयी फिल्म में डिग अजय शार्गिल के कैरेक्टर में नजर आई हैं, एनसाते रणदीप हुड्डा फिल्म में SP लोहा सिंह के कैरेक्टर में नजर आए हैं और भी इसमें कई सारे जो है सहायक भूमिकाओं में नजर आए हैं कैरेक्टर। तो दोस्तों आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है। हम यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते, मैं सिर्फ मूवी की रिव्यू मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बदलाता हूँ। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करें बाकी 3 फिल्म को जिसे यूट्यूब पर आप नहीं देख सकते, क्योंकि यूट्यूब पर इस मूवी को किसी भी कंपनी ने अपलोड नहीं किया है। तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम जानते हैं, फिल्म को कितने बजट में बनाया गया था और फिल्म ने दुनिया भर में कितनी कमाई किया है। बागी 2 फिल्म 1 मई 2017 को टाइगर श्रॉफ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर पोस्ट किया था। आपको बता दें फिल्म के निर्माता साजिद नदीदवाला ने फॉक्स स्टार स्टूडियो के साथ जो है सहयोग किया और फिल्म जो है फॉक्स स्टार स्टूडियो और साजिद नदीदवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के तहत रिलीज हुई थी। साथ ही प्रोग्राम में यह बताया गया था कि मुख्य महिला भूमिका के लिए जैकलिन फर्नांडिस और कीर्ति सनोन पर जो है विचार किया गया था। हालांकि जून 2017 में श्रॉफ के साथ जो है स्क्रीन टेस्ट गुजरने के बाद जो है दिशा पटानी को कास्ट किया गया था। कलाकारों के बारे में बात करते हुए साजिद नदीदवाला ने कहा, वह एक जो है अद्भुत यानी कि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री साझा करती है, जो एक उनके लुक टेस्ट में जो है स्पष्ट थे, जो कि दिशा भूमिका के लिए बिल्कुल जो है सही है और मैं अपने जो है कलाकारों से खुश हूँ और साथ ही परियोजना को शुरू करने के लिए उत्साहित हूँ। टाइगर श्रॉफ एक्शन इंसाती डायरेक्टर जो है टोनी चिंग के अधीन जो है कि मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण के लिए उनके साथ हांगकांग गए हैं, जबकि जो है पटानी ने कलाबाजी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जुलाई 2017 में साजिद नदीदवाला ने नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रतीक जो है बब्बर को कास्ट किया था। फिल्म का निर्माण 590 मिलियन था और यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 8.38 मिलियन के बजट पर फिल्म को बनाया गया था। प्रधान फोटोग्राफर के बारे में हम बात कर तो 8 अगस्त 2017 को शुरू हुई शूटिंग की शुरुआत मुंबई में एक सेट पर मुख्य कलाकारों के एक गाने के साथ जो है शूट की गई थी, जिसके बाद जो है पुणे में फिल्म इन साथी यूनिवर्सिटी के परिसर में शूट किए गए थे। दृश्यों की शूटिंग जो है हुई थी और फिर टीम को जो है की मनाली इन साथी थाईलैंड चीन गोवा और साथ ही लद्दाख में फिल्माया गया था।
टाइगर श्रॉफ फिल्म के चरित्र का एक जो है की यतान पूर्ण दृश्य फिल्माए थे और जबकि अभिनेता नगन भी इसमें काम किए थे। आपको बता दें फिल्म का पहला ट्रेलर 21 फरवरी 2018 को श्रॉफ और पठानी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह फिल्म 30 मार्च 2018 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। यह फिल्म 46 देशों में 4125 स्क्रीनों पे खुली थी, जिसमें जो है भारत में 3500 स्क्रीन मिले थे। आपको बता दें ये फिल्म जो है इनकी विकिपीडिया के पूर्णता मानकों को पूरा करने के लिए इसी यानी कि अनुभाग को सफाई की आवश्यकता हो सकती है। विशेष जो है विशिष्ट और साथ ही समस्या यह है कि इस फिल्म का सकल योग्य और साथ ही जटिल जो है की गणित एवं साथ ही भव्य व्यक्ति एंड टेम्पलेट को उद्मत करने की आवश्यकता है। नवम्बर 2019 में बागी 2 फिल्म ने अपने शुरुआती दिन में 251 मिलियन की कमाई की। 2018 के सबसे बड़े ओपनिंग डे कलेक्शन रहा फिल्म का पद्मावत मूवी आगे को चिन्हित करते हुए गुड यानी कि फ्राइडे मूवी की सबसे बड़ी ओपनिंग पिछले 15 महीनों में तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग टाइगर मूवी बन गया था। टाइगर जिंदा है मूवी और साथ ही गोलमाल अगेन फिल्म के बाद ये मूवी और एक एक्शन फिल्म के लिए जो है सातवीं सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म थी। एक मजबूत शुरुआती दिन के बाद यह फिल्म अपने दूसरे दिनों में धीरे धीरे 20 तक जो है इनकी गिर गया था और अतिरिक्त फिल्म जो है 204 मिलियन की कमाई की। ऐसा करते हुए फिल्म ने केवल 2 दिनों में पहली फिल्म के पूरे जो है शुरुआती हफ्ता में 385.8 मिलियन को आग्रह कर लिया था और बॉक्स ऑफिस इंडिया का मानना था कि गुड फ्राइडे के कारण जो है शुक्रवार को आंशिक जो है इनकी आवश्यकता नहीं होती तो गिरावट कम हो सकती थी। 2 हफ्ते के बाद जो है फिल्म ने भारत में 1903.2 से आधे की कमाई की थी और विदेशों में फिल्म ने इसने एक हफ्ते में 6.4 मिलियन से अधिक की कमाई किया, जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर 417.6 मिलियन कमाए थे। और फिल्म ने दुनिया भर में 297 करोड़ से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर 39.3 मिलियन की कमाई की और ये फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म बन गया था। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं क्रिटिक्स के बारे में कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स दिया है। दोस्तों आपको बता दें क्रिटिक्स जितनी ही अच्छी रिस्पॉन्स देती है फिल्म उतना ही अच्छा होता है। तो अब हम बात करते हैं क्रिटिक्स के बारे में कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को कितना रिस्पॉन्स दिया है। दोस्तों अगर आप लोग बागी 2 फिल्म को देख चुके हो तो इस फिल्म को आप कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बागी 2 फिल्म को आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेन टोमेटोज पर फिल्म बागी 2 को 11 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 4.10 की औसत रेटिंग दी गई है और इसी के साथ 36 की साथ ही स्वीकृति रेटिंग भी इस फिल्म को मिला हुआ है। इस फिल्म के बारे में राजीव मंसद ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग देते हुए कहा है कि बागी 2 फिल्म को देखकर निराशा के अलावा जो है कुछ भी महसूस करना मुश्किल है। यह देखते हुए कि कैसे जो है फिल्म निर्माता ने केंद्रीय विचार की क्षमता को बर्बाद कर दिया है। 2016 की साथ ही जो है तेलुगु हिट एंड साथ ही छनम मूवी यह जो है रिमेक है और एक जो है यानी कि तूत्रपूर्ण स्क्रिप्ट है और स्पष्ट रूप से निर्देशक जो है अहमद खान की ओर से कला जो है निर्देशन और धारा जो है यानी कि लौटा गया है। आपको बता दें हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वर्ष ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक बुरी तरह से साथ ही नियोजित मूवी है और पटकथा है जो यह नहीं जानती है कि यह क्या चाहती है। साथ ही होने वाला है रेनबो के मिशन का पीछा करने से लेकर जो है यानी कि दम मारो दम से बैटन जो है यानी कि लेंथ किया जो है यानी कि किताब में हर यानी कि हथकंडा आजमाता है और उन्हें और यानी कि खराब करने में कामयाब होता है और उन्होंने इस फिल्म को 5 में से 1 का ही दर्जा दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की सुप्रा गुप्ता ने इस फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और कहा है कि एक जो है प्लॉट की तलाश में एक फुल ऑन और साथ ही मसाला फिल्म के साथ जो है यानी कि परेशानी फिल्म के अंश पुल के तरीके से स्पष्ट है। नंगे हड्डियों को उधार लिया जाता है तेलुगु थ्रिलर यानी कि साथ ही जो है कि सनम मूवी से, लेकिन फिल्मिंग जो है पूरी तरह से बॉलीवुड है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रचित गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी और कहा है कि निर्देशक अहमद खान की फिल्म जो है सार के लिए साथ ही शैली का व्यापार करती है। एक्शन सीक्वेंस जो है स्लीक और साथ ही दिखते हैं लेकिन वह पूरी तरह से साथ ही अनुवक्त है और थोड़ा यहाँ पे अधिक जो है महसूस करते हैं। यह फिल्म निराशाजनक है। एक्शन साथ ही कोरियोग्राफी है और स्टंट से यानी कि प्रभावित करने से
प्रभावित करने के इसी प्रयास में कहानी को नुकसान भी होता है। NDTV के सैबल चटर्जी ने इस फिल्म को 5 में से 2 की रेटिंग देते हुए कहा है कि बाहिर 2 फिल्म सिनेमा के एक जो है की साथ वैस्तिक और साथ ही जो है टुकड़े की तुलना में 2.5 घंटे का स्टंट शो है। न तो दिल और न ही दिमाग एक मौका खड़ा करता है। साथ ही 22 पेंस और साथ ही पेक्स और बन जो है मुठ्ठियों के इसी यानी कि अथक हमले से बचने के लिए ये मूवी बनाई गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बाकी 3 फिल्म को। अगर आप लोग बाकी 3 फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस मूवी की फुल हिंदी में रिव्यू कर रहे हैं और फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट को बता रहे हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बात करें फिल्म की घोषणा के बारे में, तो बागी 3 मूवी की घोषणा 2018 में की गई थी। टाइगर श्रॉफ के साथ साजिद नदीतवाला एनग्रेंसन्स एंटरटेनमेंट द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पर एक टीजर पोस्टर जारी करने से की थी। आपको बता दें फिल्म 12 फरवरी 2019 को श्रद्धा कपूर को टाइगर श्रॉफ के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था। जून में यह घोषणा की गई थी कि रितेश देशमुख फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए हैं। अगस्त 2019 में यह घोषणा की गई थी कि फिल्म की शूटिंग जो है मोरक्को, मिस्र, सर्बिया और तुर्की में होगी। प्रिंसिपल फोटोग्राफर अगस्त 2019 में मुंबई में शुरू हुई और अक्टूबर 2019 में पूरी की गई थी। यह फिल्म 6 मार्च 2020 को भारत में नाटकीय रूप से जारी किया गया था। आपको बता दें बागी 3 फिल्म ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पे 17.50 करोड़ रुपए की कमाई की, जो 2020 की बॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक का सबसे अधिक ओपनिंग डे कलेक्शन था। 15 मार्च 2020 तक भारत में 110.65 करोड़ रुपए और विदेशों में फिल्म ने 24.42 करोड़ रुपए की कमाई के साथ फिल्म ने दुनिया भर में 137.5 करोड़ का सकल संग्रह किया है और 2020 की दुनिया और 2020 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाला बॉलीवुड फिल्म बन गया है। बागी 3 को आमतौर पर आलोचकों और दर्शकों से मिश्रित समीक्षा मिली। बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने लेखन और खान के निर्देशन की आलोचना करते हुए उनके साथ प्रदर्शन और एक्शन दृश्य और छायांकन की प्रशंसा करते हुए फिल्म को 5 में से 3 सितारों की रेटिंग दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा के साथ जो है लेकिन आस्तीन जो है केम राव और साथ ही CGI और लेखन के लिए आलोचना के साथ जो है फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार रेटिंग दिया है। और आपको बता दें CNN न्यूज 18 की राजीव मंसद ने निर्देशक जो है तर्कहीन एक्शन सीक्वेंस और कथानक की आलोचना करते हुए फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दिए हैं और फिल्म को फुला हुआ और काफी अच्छा कहा है। अब बात करते हैं फिल्म के अभिनेत्री श्रद्धा कपूर मैम के बारे में। अभिनेता शक्ति कपूर की बेटी है। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2020 की हिट फिल्म 3 पत्ती में एक संक्षिप्त भूमिका के साथ की थी और इसके बाद किशोर नाटक लॉ का द एंड फिल्म 2011 में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई थी। आपको बता दें व्यावसायिक रूप से सफल जो है रोमांस फिल्म आशिकी 2 फिल्म 2013 में एक गायिका की भूमिका निभाने के लिए कपूर को सफलता मिली थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। और उसी वर्ष उन्होंने विशाल भरद्वाज की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित जो है नाटक हैदर फिल्म 2014 में ओफे लिया पर आधारित एक चित्रण को चित्रित इन्होंने किया था। श्रद्धा कपूर ने रोमांटिक थ्रिलर फिल्म एक विलन मूवी 2014 में एंड डांस ड्रामा फिल्म ABCD 2 फिल्म 2015 में अभिनय की और एक्शन फिल्म बाकी फिल्म 2016 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ खुद को स्थापित किया। खराब फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज फिल्म कॉमेडी हॉरर स्ट्री फिल्म 2018 की एक्शन थ्रिलर मूवी साहो 2019 की और साथ ही कॉमेडी ड्रामा फिल्म छिछोरे मूवी 2019 के साथ आई थी। आपको बता दें श्रद्धा कपूर ने फिल्मों में अभिनय के अलावा अपने कई फिल्मी गाने भी खुद गाए हैं। वह कई ब्रांडों और उत्पादों के लिए सेलिब्रिटी एंडोर्सर भी है। 2015 में उन्होंने कपड़ों की अपनी लाइन लॉन्च की है। आपको बता दें श्रद्धा कपूर 2011 में लॉ का द एंड फिल्म के प्रचार कार्यक्रम में कपूर ने अमिताभ बच्चन के बेन और साथ ही किंग सले और आर माधवन के साथ 2010 के नाटक 3 पत्ती फिल्म में अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने एक कॉलेज गर्ल की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई। फिल्म को आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली थी, हालांकि उनके प्रदर्शन को बेहतर रूप से प्राप्त किया गया था। फिल्म के बारे में Rediff.com के लिए लेखन वाली प्रति जोहन की और प्रीति अरोरा ने कहा कि हालांकि थोड़ी कच्ची यानी कि सामने बहुत उबरती है और भावनाएं हैं फिल्म के अंदर। और बात करें जो है निकहत काजमी ने समीक्षा की कि श्रद्धा कपूर एक तेज तरह इंसान है फिल्म के अंदर।
श्रद्धा कपूर की तीन पतली फिल्म के बारे में रद्दीप.com के लिए लेखन वाली प्रीति अरोड़ा ने कहा है कि हालांकि थोड़ी कच्ची और उसमें बहुत जो संभावनाएं रखी गई थी। आपको बता दें निखत काजमी ने समीक्षा की, श्रद्धा कपूर एक तेज तरार और साथ ही नौजवान के रूप में एक दिलचस्प शुरुआत करती है फिल्म के अंदर, जो कि इस लीज के लिए अपनी विशेषताओं को छोड़ देती है। कपूर को सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म पर पुरस्कार से नामांकित किया गया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही थी और अपनी शुरुआत के बाद उन्होंने यशराज फिल्म के साथ तीन फिल्मों का सौदा किया और उनकी 2011 की किशोर कॉमेडी लव का द एंड में ताहा के साथ अभिनय किया था और इनके तीन सौदों को जो है ख़त्म कर दिया गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे बाकी थ्री फिल्म को जिसे 2020 में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद आपको पता है COVID-19 का दौरा चला, इसके बाद जो है फिल्म में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई थी, लेकिन फिल्म अंत तक जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाई भी किया और फिल्म 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला दूसरा फिल्म बन गया। 2011 की किशोर कॉमेडी लव का द एंड ताहा शाह के साथ कपूर ने एक किशोर छात्रा की मुख्य भूमिका निभाई जो अपने प्रेमी को धोखा देने के बाद उसके खिलाफ जो है साजिश रचती है फिल्म के अंदर और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे खराब प्रदर्शन किया और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की गई थी। हालांकि श्रद्धा कपूर के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली थी, स्वागत मिला। तरुण आदर्श ने लिखा है कि श्रद्धा कपूर जो है यानी कि रहस्य उद्घाटन दिखती है फिल्म के अंदर, जो आपको एक जो है आत्मविश्वास से भरे प्रदर्शन से अनजान करती है। जब वह अपने प्रेमी के सच्चे इरादों को जानने के बाद टूट जाती है तो वह अनुक्रम में विद्युतीकरण करती है और अपने प्रदर्शन के लिए कपूर को स्टारडस्ट भी मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए साथ ही सर्च लाइट अवार्ड भी मिला था। बाद में श्रद्धा कपूर को यशराज फिल्म के साथ अपने सौदे के लिए हिस्से के रूप में साथ ही औरंगजेब फिल्म मुख्य महिला भूमिका की पेशकश की गई। हालांकि उन्होंने इसके बजाय विशेष फिल्म की आशिकी 2 पर हस्ताक्षर किए, जिससे यशराज फिल्म के साथ तीन फिल्मों का अनुबंध रद्द कर दिया गया था। 2013 में श्रद्धा कपूर ने मोहित सूरी की रोमांटिक संगीत जो है नाटक आशिकी 2 फिल्म में अपनी सफल भूमिका पाई थी, जो 1990 की फिल्म आशिकी की अगली कड़ी थी। उन्हें एक छोटे शहर की बार जो है गायिका आरोही केशव सिरके के रूप में लिया गया था, जो एक जो है लोकप्रियता पुरुष गायक आदित्य रॉय कपूर के प्यार में पड़ जाती है। आदित्य रॉय कपूर धारा अभिनेत की मदद से एक सफल पार्श्व गायक बन जाती है और फिल्म 1.9 मिलियन से अधिक की कमाई किया था, यानी कि यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर दे तो 14 मिलियन के विश्वव्यापी राजस्व के साथ फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे बड़ी सफलता थी। फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने श्रद्धा कपूर को वास्तविक विजय कहा और कहा कि उनके चीनी मिट्टी के चेहरे में एक भव्य एन साथी व्यक्ता है। हालांकि इंडिया टुडे के साथी जो है इनकी विनायक चक्रवर्ती ने लिखा है कि वह सुंदर दिखती है फिल्म के अंदर, हालांकि चिंगारी जोड़ने में विफल रहती है। श्रद्धा कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में कई नामांकन प्राप्त हुए थे, जिनमें से एक जो है फिल्म फेयर पुरस्कारों में भी शामिल है। उस वर्ष वह जो है इमरान खान के चरित्र की मंगेतर की भूमिका निभाते हुए रोमांटिक कॉमेडी गोरी तेरे प्यार में एक अतिथि भूमिका में दिखाई दी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे श्रद्धा कपूर की फिल्म बाकी थ्री मूवी को जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों अगर आप भी बाकी थ्री फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे बाकी थ्री फिल्म को और अभी हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री श्रद्धा कपूर मैम की रियल लाइफ के बारे में। अगर आप श्रद्धा कपूर की फैन हैं और इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। श्रद्धा कपूर ने अगली बार सूरी के साथ थ्रिलर एक विलन फिल्म 2014 के लिए फिर से काम किया, जिसके लिए उन्होंने गलिया गीत भी गाया था। फिल्म एक कठोर अपराधी सिद्धार्थ मल्होत्रा धारा अभिनीत की कहानी बतलाई गई है, जिसकी गंभीर रूप से बीमार पत्नी कपूर धारा अभिनीत की एक जो सीरियल किलर धारा बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। फिल्म को आमतौर पर जो है कोरियाई फिल्म आई साथ यानी कि डेविल से उनके साथ जो है साहित्यिक चोरी माना जाता था। हालांकि सूरी ने दावा किया कि यह एक मूल फिल्म थी और अपनी समीक्षा में फिल्म फेयर की साथी रेडिंटा टंडन ने फिल्म को साथी किरकिरा आकर्षक थ्रिलर कहा और कहा कि श्रद्धा कपूर इस फिल्म में एक जो है रहस्य उद्घाटन थी। फिल्म अंततः 1 बिलियन से अधिक की कमाई किया, जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 13 मिलियन से अधिक के घरेलू राजस्व के साथ प्रमुख व्यवसायिक सफलता के रूप में उभरी। उसी वर्ष उनकी दूसरी रिलीज फिल्म विशाल भरद्वाज की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नाटक हैदर फिल्म थी,
जो कि बिलियन एंड साथ ही शेक्सपियर के हेमलेट का एक रूपांतरण फिल्म था, जिसे 1995 के कश्मीर संघर्ष के दौरान सेट किया गया था। उन्होंने शाहिद कपूर और तब्बू के साथ जो है यानी कि ओफेलिया इंसाती आधारित चरित्र आर्थिया नाम की एक जो है पत्रकार की भूमिका निभाई थी। डेक्कन क्रॉनिकल के लिए लेखन आलोचक जो है कुशी मिता दास ने उनके चरित्र की विभिन्न और साथ ही बारीकियों से पकड़ने में कपूर के प्रयास की प्रशंसा की और कहा कि उनका चित्रण जो है आश्चर्यजनक रूप से रचित थी। उसी वर्ष भी कपूर ने करण जौहर के निर्मित जो है थ्रिलर उंगली में एक आइडल नंबर वन भी किया था। अब 2015 में श्रद्धा कपूर ने एबीसीडी टू नामक डांस फिल्म एबीसीडी एनीबडी कैन डांस की अगली कड़ी फिल्म में अभिनय की। उन्होंने एक हिप हॉप डांसर की भूमिका फिल्म में निभाई, जिसने अपने बचपन के दोस्त सुरेश मुकुंद के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय हिप हॉप प्रतियोगिता में भाग लिया। और वरुण धवन द्वारा जो है अपनी भूमिका की तैयारी में उन्होंने कोरियोग्राफर प्रभु देवा एन रेमो डिसूजा से नृत्य की विभिन्न शैलियों को सीखा। वर्ल्ड डिज्नी पिक्चर द्वारा निर्मित की गई इस फिल्म ने दुनिया भर में 1.57 बिलियन से अधिक की कमाई किया और फिल्म यूएसए डॉलर में कन्वर्ट कर दे तो बॉक्स ऑफिस में 21 मिलियन से अधिक की कमाई किया था यूएसए डॉलर की, और उस समय तक उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाला ये फिल्म बन गया। तो दोस्तों, श्रद्धा कपूर की मज़ेदार फिल्मों के बारे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। अगर आप श्रद्धा के फैन हैं और इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में हम करें बागी 3 फिल्म को, जिसे 2020 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और फिल्म रिलीज होते ही कोविड-19 का एक लंबा दौर चला, जिसके बाद फिल्म ने काफी ज्यादा नुकसान भी उठाया, लेकिन अंत तक फिल्म जो है 2020 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्म रहा। श्रद्धा कपूर ने 2016 की शुरुआत एक्शन ड्रामा बागी में स्टार टाइगर श्रॉफ की प्रेम रुचि के रूप में, जो एक जो है मार्शल आर्ट स्कूल की पृष्ठभूमि के खिलाफ विद्रोही प्रेमियों की एक जोड़ी के बारे में थी। भूमिका के लिए उन्हें जो है यानी कि कलारी पेट और भारत के दक्षिण में उत्पन्न होने वाला एक जो है मार्शल आर्ट का अध्यास करने की आवश्यकता थी। द इंडियन एक्सप्रेस की सुभ्रा गुप्ता ने इस फिल्म में अपने चरित्र को साथी जो है दिनांकित माना, लेकिन सोचा कि उसने जो है रोमांटिक और एक्शन दृश्यों को काफ़ी अच्छा निभाया और व्यावसायिक रूप से फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन भी किया और कुल मिलाकर फिल्म ने 1.26 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो यूएसए डॉलर में कन्वर्ट कर दे तो 17 मिलियन का संग्रह किया फिल्म ने। और 2016 में श्रद्धा कपूर की अंतिम रिलीज मूवी रॉक म्यूजिकल ड्रामा रॉक ऑन 2 फिल्म थी, जो 2008 की रॉक ऑन की अगली कड़ी थी और उन्हें जो है फरहान अख्तर और अर्जुन रामपाल और प्राची देसाई के साथ कास्ट किया गया था फिल्म के अंदर। उन्होंने साथ ही अंतर्मुखी गायिका और की बोर्ड यानी कि वादक जो है जिया शर्मा की भूमिका फिल्म के अंदर निभाई, जो अपने ही पिता के साथ जो है उपेक्षापूर्ण संबंधों का शिकार होती है। तैयारी के लिए उन्होंने अलग अलग जो है किताबें पढ़ने में समय बिताया और गायिका जो है समानता और साथ ही एडवर्ड्स के तहत जो है गायन का प्रशिक्षण लिया था। द हिंदू की नम्रता जोशी ने फिल्म को नापसंद किया और कपूर के प्रदर्शन को साथ ही स्वयं जो है सचेत रूप से नम्र और विनम्र माना। रॉक ऑन 2 फिल्म ने अपने 450 मिलियन यानी कि 5.9 मिलियन के साथ ही विनेश की भरपाई नहीं की। 2017 में श्रद्धा कपूर ने शाद अली की रोमांटिक ड्रामा ओके जानू फिल्म में आदित्य रॉय कपूर के साथ फिर से अभिनय किया। साथ ही मणि रत्नम की तमिल रोमांटिक ड्रामा फिल्म में कदल इंसाती कन मणि की रिमेक फिल्म का निर्माण करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन के बैनर के तले किया था। कपूर अगली बार जो है रोमांस इन हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म में दिखाई दिए थे, जिसमें उन्हें अर्जुन कपूर के साथ जोड़ा गया था। यह फिल्म चेतन भगत के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित फिल्म थी और उन्हें जो है निर्देशक इंसाती मोहित सूरी के साथ फिर से मिलाया गया था। बाद की फिल्म की समीक्षा में हम आपको बता दें, एनडीटीवी के राजा सेन ने इसे जो है बेवकूफ इंसाती मन बुद्धि रोमांस माना और श्रद्धा कपूर की तीखी और साथ ही सराहनीय के रूप में आलोचना की थी। बाद में 2017 में श्रद्धा कपूर एन साथी अपूर्वा लाखिया की हसीना पारक फिल्म में दिखाई दी, जो कि आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की बहन की बायोपिक थी, जिसने जो है खुद का अपराध मंडल चलाया। कपूर ने अपने भाई की साथी जो है कि सिद्धांत कपूर के साथ एन साथी नाम मात्र की भूमिका निभाई, जिन्होंने
जिन्होंने इब्राहिम का किरदार फिल्म के अंदर निभाया था। फिल्म को नकारात्मक समीक्षाएं मिली। फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एमएम इंसाती वेटिकेट ने श्रद्धा कपूर के प्रदर्शन को पटकथा के रूप में नरम माना और कहा कि वह जो है परिपक्व और साथ ही खतरनाक दिखने की कोशिश करती है, लेकिन प्रयास बहुत अधिक दिखता है। उनकी 2017 की किसी भी रिलीज ने बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और ये फिल्म सारे ही फ्लॉप थे। और उसी दौर में बाकी वन फिल्म को भी रिलीज किया गया था, लेकिन बाकी फिल्म भी उतना ज़्यादा सफलता नहीं पाई। लेकिन इसकी अगली कड़ी और तीसरी कड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा सफल रहा, जिसकी इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं। आपको बता दें, बागी 2 जब आया था तो ये फिल्म सफल रहा और बागी 3 आया तो ये भी सफल है और बागी 4 भी आपको 2022 तक देखने को मिल जाएगा सिनेमाघरों में। तो दोस्तों, अगर आप लोग बागी फिल्म को YouTube पर देखना चाहते हो, बागी 3 फिल्म को, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। श्रद्धा कपूर ने अगली बार कॉमेडी हॉरर फिल्म सत्री मूवी 2018 में राजकुमार राव के साथ अभिनय किया। आपको बता दें, नाले बा इंसात किंग वंदित पर आधारित फिल्म में उन्हें एक रहस्यमय अनाम महिला के रूप में दिखाया गया, जिसे जो है राव के चरित्र से प्यार हो जाता है। समीक्षक सैबल चटर्जी ने फिल्म के नारीवादी उप पार्ट पर ध्यान दिया और कपूर को एक जो है रहस्यमय महिला के रूप में उपयुक्त रूप से जो है बर्फीले पाया। राजीव मंसद ने कहा कि वह अपने जो है चारों ओर रहस्य की हवा के साथ जो है आकर्षक आउट ऑफ इंसाती टाउन के रूप में अच्छी तरह से मिश्रित है। यह फिल्म 1.7 बिलियन यानी कि 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सकल कमाई के साथ स्त्री उस समय तक की उनकी सबसे अधिक कमाई करने वाली रिलीज के रूप में उभरी। उसी वर्ष श्रद्धा कपूर ने ग्रामीण भारत में साथ ही बिजली के मुद्दे के बारे में एक सामाजिक जो है समस्या वाली फिल्म 32 गुल मीटर चालू में शाहिद कपूर के साथ वापसी की। इस स्क्रिप्ट में मिले जो है सामाजिक संदेश के कारण वह इस परियोजना के लिए सहमत हो गई। स्टूडियो जो है क्री आर्ट एंटरटेनमेंट द्वारा क्रू को जो है परिश्रमित देने में विफल रहने पर जो है यानी कि फिल्मांकन विवाद में फंस गया था। एक संक्षिप्त जो है यानी कि अंतराल के बाद भूषण कुमार द्वारा परियोजना को संभालने के बाद उत्पादन फिर से शुरू हुआ। इंडिया टुडे के लिए लिखते हुए चारू ठाकुर ने कहा है कि श्रद्धा कपूर को जहां तक उनके अभिनय कौशल का सवाल है, उन्हें बहुत आगे जाने की जरूरत है। श्रद्धा कपूर जो है बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की बायोपिक में अभिनय करने के लिए प्रतिबद्ध थे, जिसका निर्देशन अमोल गुप्ते ने किया था। लेकिन कुछ दिनों के लिए फिल्म आने के बाद उन्होंने शेड्यूलिंग संघर्ष का हवाला देते हुए इसी प्रोजेक्ट से बाहर हो गई। उन्होंने सुजीत की त्रिभाषी एक्शन फिल्म साहो में प्रभास के साथ प्रमुख महिला की भूमिका निभाकर 2019 की शुरुआत की और ये फिल्म 2005 बिलियन से अधिक की कमाई किया, यानी कि यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो ये फिल्म 46 मिलियन का बजट यानी कि पार कर गया और निर्मित सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है। मीड डे के लिए एक दिन की समीक्षा में मयंक शेखर ने उनके हिस्से को बल्कि पीला और साथ ही व्यर्थ कहकर जो है खारिज कर दिया। फिल्म के तमिल और तेलुगु संस्करण ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन इसका हिंदी संस्करण जो है व्यावसायिक रूप से सफल रहा। उनकी अगली फिल्म जो है रिलीज नीतीश तिवारी की छिछोरे मूवी थी, जो कि कॉलेज जीवन के बारे में एक जो है कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी और जिसमें सुशांत सिंह राजपूत सह कलाकार थे और मेन की उदिता झुंझुनवाला ने इसे हॉस्टल इंसाती लाइफ के लिए एक जीवंत इंसाती श्रद्धांजलि करार दिया और कहा कि एक स्केच जो है भूमिका के बावजूद श्रद्धा कपूर एक चलती और दिलचस्प जो है प्रदर्शन देती है दुनिया भर में। यह फिल्म 2 बिलियन से अधिक की कमाई किया एंड यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई के साथ यह फिल्म उनकी सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। श्रद्धा कपूर ने डांस फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D फिल्म 2020 में वरुण धवन के साथ फिर से जुड़कर नए दशक की शुरुआत की, जिसे जो है नम्रता जोशी ने उवेक प्रदर्शन का संकल्प करार दिया और इसने जो है व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। और इसके बाद उन्होंने साथ ही आध्यात्मिक सीक्वल बागी 3 फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ जो है यानी कि दोबारा काम किया था और कोविड-19 महामारी के कारण थिएटर बंद होने के कारण जो है इसने व्यावसायिक रूप से कमजोर प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, इस फिल्म के निर्माता बागी 3 मूवी के निर्माता ये चाहते थे कि दोबारा से इस फिल्म को रिलीज करें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इस फिल्म को दोबारा जो है
सिनेमाघरों के वजह इस फिल्म को सीधे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। तो बाकी फिल्म के मुख्य स्टार कास्ट पर हम बात करें तो टाइगर श्रॉफ, रितेश देशमुख, श्रद्धा कपूर, अंकित लोखंडे ने इस फिल्म में अभिनय किए हैं और फिल्म को डायरेक्ट किए हैं अहमद खान ने। दोस्तों आपको बता दें बाकी में तीसरा किस्त मूवी है जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। सबसे पहला फिल्म 2016 में आया था बाकी मूवी और ये फिल्म उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर एंड सुधीर बाबू ने अभिनय किए थे और इस फिल्म को डायरेक्ट किए थे शब्बीर खान ने और इस फिल्म की कहानी संजीव दत्त ने लिखे थे। और फिल्म के प्रोड्यूसर की हम बात करें तो साजिद नदीतवाला ग्रैंड साउंड एंटरटेनमेंट के बैनर के तहत इस फिल्म को बनाया गया था और यह फिल्म 29 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई थी। तो चलिए आइए इस फिल्म की कुछ कहानी के बारे में हम जानते हैं दोस्तों, क्योंकि ये तीनों फिल्म एक सा रिलेटेड है, यानी कि ये तीनों फिल्म जो है सेम टू सेम है, थोड़ी थोड़ी चेंजेस की गई है। नाम का यहाँ पे फर्क है, बागी 1, बागी 2 एंड बागी 3 और बागी 4 भी आने वाला है। और ये टाइगर श्रॉफ की जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म भी हो सकता है क्योंकि इतना बड़ा सीरीज इनकी जिंदगी में कोई भी फिल्म नहीं है। आपको बता दें बागी फिल्म 29 अप्रैल 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी और 370 मिलियन यानी कि यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 4.9 मिलियन के बजट पर बनी। इस फिल्म ने दुनिया भर में 1.27 मिलियन से अधिक की कमाई किया जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 17 मिलियन से अधिक की कमाई की। बाद में इसने दो आध्यात्मिक सीक्वल बागी 2 2018 और बागी 3 फिल्म 2020 को जन्म दिया। इसी प्रकार बागी फिल्म श्रृंखला में पहली किस्त बन गई और फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन कलाकारों के एक्शन दृश्य और प्रदर्शन की प्रशंसा भी इस फिल्म में किया गया था। बागी 1 फिल्म के कहानी के बारे में बात करते हो, फिल्म मार्शल आर्ट यानी कि चैंपियन और खूंखार गैंगस्टर राघव शेट्टी सुधीर बाबू के साथ शुरू होती है जो सिया खुराना श्रद्धा कपूर को हैदराबाद में उसकी फिल्म के सेट से अपहरण कर लेते हैं। उसे जो है बैंकॉक ले जाते हैं और सिया के पिता पीपी खुराना और साथ ही सुनील ग्रोवर निर्माता जो है दसना के साथ जो है सरकारी कार्यालय और पुलिस के पास जो है मदद के लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी सहायता के लिए तैयार नहीं है क्योंकि राघव एक जो है प्रभावशाली व्यक्ति है और भारत और साथ ही थाईलैंड के बीच जो है कोई भी यानी कि पर्याप्त नहीं है और साथ ही जो है संगी जो इनके अस्तित्व में नहीं है और खुराना तब यानी कि साथी जो दसना को झुका देता है और उसके साथ जो है सिया का पूर्व प्रेमी रणबीर रोनी सिंह जो है इनकी टाइगर श्रॉफ की यानी कि टाइगर श्रॉफ नौकरी के लिए एकमात्र सही जो है विकल्प है उसके लिए। शुरू में हिचकिचाते हुए रोनी ऐसा करने के लिए सहमत हो जाते हैं क्योंकि उसे यानी कि सुब्बू के इलाज के लिए पैसे की जरूरत होती है जो एक जो है मुख्य युवा लड़के हैं और जिसका जो है इलाज उसके मुखर रागों के लिए किया जाता है। और फ्लैशबैक में रोनी और सिया को ट्रेन में मिलते हुए दिखलाया गया है और राघव भी सिया को अगले रेलवे स्टेशन पर देखता है और उसे पसंद करने लगता है। वह अपने आदमियों से उसके बारे में जानकारी हासिल करने को कहता है। रोनी एक जो है निश्चिंत और साथ ही कैलाश शेट्टी उर्फ यानी कि गुरु स्वामी के मार्शल आर्ट स्कूल का दौरा करता है जो वास्तव में राघव के पिता हैं और साथ ही केरल के कोल्लम में उनके साझे गुरु स्वामी को लिखे एक पत्र में रोनी के पिता जो यानी कि समरजीत सिंह अरुण बाली जो सेना से उनके पूर्व इन साथी बैचमेट होते हैं और बताते हैं कि रोनी एक विद्रोही इंसान है और रोनी को एक अच्छा इंसान बनने के लिए कहते हैं। रोनी और सिया प्यार में पड़ जाते हैं और सिया उसे पीपी से मिली एक जो है अंगूठी देती है, उसे हमेशा रखने के लिए कहती है। राघव खुराना से सिया का हाथ मांगता है और खुराना जो है लालच में खो जाता है जब वह देखता है कि राघव सिया के लिए कितना पैसा देता है। वह सिया को राघव को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वह देखता है कि रोनी के पास सिया की अंगूठी है तो उसे पता चलता है कि वह रोनी से प्यार करती है। वह राघव को सूचित करता है जो रोनी को मारने का फैसला करते हैं। रोनी यहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है सिया से इस फिल्म के अंदर। और आपको बता दें ये फिल्म एक्शन थ्रिलर मूवी है जो 2016 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म सफल रही क्योंकि फिल्म ने बहुत ही अच्छा कमाई किया, जिसके वजह से इस फिल्म के निर्माता पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को बनाया है और ये दोनों पार्ट भी सफल रहा। अब पार्ट 4 भी इसका बहुत जल्द आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगा।
फिल्म के आगे क्या होता है चलिए बात करते हैं। गुरु स्वामी ने रोनी को मारने के बारे में राघव की बातों को सुन लिया है और उसे ऐसा करने से मना कर दिया। राघव जो है अपमानित महसूस करता है और जहर देता है और उसे रास्ते से हटाने के लिए उसे मार देता है। रोनी ने राघव के आदमियों की पिटाई की जब वह जो है शुभू के साथ जो है हाथापाई करते हैं जो रोनी का करीबी है और केवल जो है राघव को बाद में गिरफ्तार करने के लिए जब वह जो है गुरु स्वामी के लिए शोक मानता है जिसे वह एक पिता के रूप में देखना शुरू कर देता है। साथी जो है खुराना फिर से सिया और रोनी के बीच उन्हें जो है अलग करने के लिए एक जो है यानी कि साथी जो है गलतफहमी पैदा करता है जो काम करता है और दोनों जो है अलग हो जाते हैं। वर्तमान में वापस जो है रोनी एंड साथी बैंकॉक पहुंचता है और राघव का ध्यान आकर्षित करने के लिए वहां के सबसे जो है शक्तिशाली फाइटर को हराकर राघव के फाइट जो है क्लब का दौरा करता है। और अगले दिन रोनी राघव के दाहिने हाथ के आदमी बिज्जू के घर में जो है घुस जाता है और बिज्जू की पत्नी को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है जिससे वह सिया के स्थान को प्रकट करने के लिए मजबूर करता है। और यह पता चलता है कि स्थानीय अस्पताल में थी और रोनी सिया को बचाती है और डॉक्टर और नर्स के वेश में दोनों के साथ जो है वहां से भाग निकलते हैं। दोनों भारत वापस जाने के रास्ते में एक जो है द्वीप पर जो है रुकते हैं जहाँ सिया को अपने पिता के धोखे का पता चलता है जब वह जो है देखती है कि रोनी अभी भी उसकी अंगूठी पहने हुए है। दंपति में सुलह हो जाते हैं लेकिन राघव और उसके आदमी उन पर जो है हमला कर देते हैं और बीजू ने रोनी को गोली मार दी जो कि चट्टान से गिर जाता है। राघव सिया को वापस अपने जो है स्थान पर ले जाती है लेकिन सिया को पता चलता है कि रोनी जीवित है और राघव को उसकी जो है आक्रामक उपस्थिति के बारे में कुछ जो है क्षण बाद में सतर्क किया जाता है। यह पता चलता है कि बीजू ने अपनी जो है बंदूक में खाली गोलियां का इस्तेमाल किया था और उसे जो है बकस दिया था क्योंकि रोनी ने पहले ही अपनी पत्नी की जान बचाई थी और बीजू का दावा है कि उसने जो है रोनी को बकस दिया क्योंकि वह उसे सही मानता था लेकिन राघव ने उसका गलत यानी कि काट दिया लेकिन राघव ने उसका गला काट दिया। रोनी राघव की इमारत पर जो है धावा बोल दिया है और अकेले ही राघव के काम में लगे सभी जो है हथियारों और साथी तलवार बाजू से लड़ता है। वह राघव तक पहुंचता है किसी भी तरह जो शुरू में उस पर जो है हावी होता है लेकिन जब राघव ने खुलासा किया कि उसने जो है यानी कि गुरु स्वामी की हत्या की थी तो रोनी क्रोधित होकर जाता है और राघव को मारने के लिए जो है गुरु स्वामी के हस्ताक्षर चाल का उपयोग करता है। और अब खुशी से सिया के साथ वह गुरु स्वामी के स्कूल में नया शिक्षक बन जाता है जहां अब जो है गुरु स्वामी की एक और मूर्ति बनाई जाती है और फिल्म इसी के साथ खुशी खत्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों और फिल्म के विकास के बारे में हम बात करते हैं। फिल्म की शूटिंग किस तरह से की गई थी और फिल्म में आपको कौन सी चीज़ देखने को मिला है सबसे बढ़िया और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स दिया है। दोस्तों आप इन तीनों फिल्मों में सबसे ज़्यादा कौन सी फिल्मों को पसंद करते हैं, बाकी वन, बाकी टू या फिर बाकी थ्री, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये तीनों फिल्म आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इन तीनों फिल्मों को यूट्यूब पे किसी भी कंपनी ने अपलोड किया ही नहीं है और वैसे में मैं भी इस फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मूवी रिव्यू, मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है। फिल्म के अंदर टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के लिए प्रशिक्षित लिया था और स्टंट यानी कि कक्षाएं भी ली थी। अब आपको बता दें साजिद नदीदवाला ने टाइगर श्रॉफ के लुक को यानी कि गुप्त रखने के लिए 50 लोगों की एक विशेष टीम को काम पर रखा था। निर्माता नहीं चाहते थे कि फिल्म में उनकी भूमिका हीरोपंती में उनकी भूमिका से अलग होने के कारण जो है उनका लुक सामने आए और तेलुगु अभिनेता सुधीर बाबू को बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करते हुए एक जो है नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए साइन अप किया गया था। बागी फिल्म की शूटिंग 27 मई 2015 को शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग 21 फरवरी 2016 को पूरी हुई थी और फिल्म को भारत और थाईलैंड में बड़े पैमाने पर शूट किया गया था और सोमा किरल यानी कि पहले जो है कोची को फिल्म में साथी कर्म स्थान जो है गुरु स्वामी का स्कूल के रूप में दिखाया गया था और वहीं पर सांग सब 13 को विदेशी यानी कि पूरा द्वीप में फिल्माया गया। आपको बता दें फिल्म शुक्रवार को रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने अपने पहले 3 दिनों में क्रमशः 19.4 मिलियन की कमाई किया जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 11.13 करोड़ और ये पैसा इंडिया में कन्वर्ट कर दे तो 155.1 मिलियन की कमाई की और अपने शुरुआती हफ्ते में कुल कलेक्शन फिल्म का 38.58 करोड़ का था।
फिल्म ने अपने शुरुआती हफ्ता में 38.58 करोड़ की कमाई की और अपने 37 करोड़ के उत्पादन को पूरा किया, पूरा यानी कि कीमत, और साथ ही सातवें दिन तक जो फिल्म ने 59.72 करोड़ रुपए की कमाई की थी कर ली थी। और बाकी मूवी का और बाकी फिल्म का दैनिक संग्रह जो है तीसरे दिन 15.51 करोड़ के शुद्ध एस स्तर पर जो है पहुंच गया। और उसके बाद दूसरे हफ्ता के अंत तक फिल्म जो है यानी कि व्यापार का 79% जो है खो देने के बाद गिरावट हुई थी। और फिल्म ने अंततः भारत में 106.3 करोड़ और विदेशों में फिल्म ने 19.89 करोड़ की कमाई की। और कुल विश्वव्यापी सकल के बारे में हम बात करें तो यह फिल्म अनुमान 125.92 करोड़ से अधिक की कमाई किया था। और यह फिल्म 126 करोड़ यानी कि टाइगर श्रॉफ के करियर के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फिल्म पहला बन गया। तो दोस्तों ये फिल्म जो है पहला काफ़ी ज़्यादा सफल रहा, उसके बाद दूसरी मूवी है वो भी सफल रही। बागी फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म को 5 में से 2.5 की स्टार रेखा दिया था। और बागी केवल जो है इनकी झगड़े के दौरान जो है लिखित है, लेकिन आपको बता दें जब तक जो है बागी और साथ ही घड़ी जो है चरमो तकाश की ओर जो है टिकती है तब तक जो है आप यानी कि थक चुके होते हैं। आपको बता दें टूटी हुई और साथ ही गर्दन जो है कुतली हुई इंडियों के लिए आप जो है कितना यानी कि होल्ड कर सकते हैं और आप खोजने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो टाइगर श्रॉफ की कीक में जो है रोमांच है, लेकिन फिल्म के पास जो है देने के लिए और कुछ भी नहीं है। इंडिया जो है ग्लिच ने भी फिल्म को 5 में से 2.5 रेटिंग दिया और लिखा है कि बागी फिल्म में विद्रोही इंसाती कार्रवाई है जिसके कारण जो है इसके साथ जो है जुड़े हुए हैं। आपको बता दें जिसके कारण यह फिल्म जो है केवल उन लोगों को पूरा करेगा जो कि अच्छी एक्शन फिल्मों और साथ ही सिंगल स्क्रीन दर्शकों को पसंद करते हैं। मल्टीप्लेक्स और साथ ही पारिवारिक जो है दर्शकों को गैर नाटकीय नाटक के साथ जो है इनके गौर एक्शन पसंद नहीं हो सकता है। फिल्म कैंपेनियन ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग देते हुए लिखा है कि बागी उन लोगों की सबसे अच्छी सेवा करेगा जो कि रुचि रखते हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार रेटिंग दिया और लिखा है कि संक्षेप में कराटे किड इंसाती जो है इनकी ब्लड स्पोर्ट फिल्म में प्रवेश करता है और साथ ही आवश्यक बॉलीवुड जो है गुणों को खोए बिना जो है यानी कि उनके साथ ओंक बक बनने की जो है जल्दी में दिखाई देता है और बागी ही यानी कि चमकती हुई फिल्म है। आपको बता दें इंडिया एक्सप्रेस ने इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दिया और लिखा है कि श्रद्धा कपूर पतली दिखती है फिल्म के अंदर और सुंदर दिखती है और बारिश में छमछम दोनों को यानी कि अंजाम देती है और साथ ही कुछ यानी कि राउंड हाउस जो है किक इन साथी घूसे अच्छी तरह से करती है, लेकिन बॉलीवुड की नायिका की तरह जो है फैशन में है और 70 और 80 के दशक के जो है यानी कि पोर्ट बैरल वह जो है यानी कि हीरोपंती फिल्म की प्रमुख जो है महिला टाइगर श्रॉफ की पहली सबीर खान द्वारा निर्देशित की तरह जो है बालों से नहीं खींची जाती है, लेकिन बाकी सब कुछ जो है करती है और खलनायक की मंद में यानी कि सिंपल मुस्कान छोड़ती है। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में हम बागी फिल्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप लोग बागी फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। इस वीडियो में हम बागी मूवी की रिव्यू को लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। इस फिल्म के डायरेक्टर पर हम बात करें तो अहमद खान सर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं बागी 2 फिल्म के बारे में। तो बागी 2 फिल्म को रिलीज किया गया 2018 में। बागी फिल्म रणबीर रोनी एंड प्रताप सिंह की कहानी बतलाई गई है जो एक भारतीय सेना अधिकारी है जो कि गोवा में अपनी पूर्व प्रेमिका की 3 साल की बेटी को उसके जो है अपहरणकर्ताओं के चुंगुल से छुड़ाने के लिए निकलता है। अगस्त 2017 में फिल्म के लिए साथ ही प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू हुई थी और इसे मुंबई, पुणे एंड साथ ही शंघाई, गोवा, चीन एंड साथ ही मनाली और थाईलैंड में किया गया था। इस फिल्म को प्रिंट और साथ ही प्रचार लागत जो है सहित 590 मिलियन खर्च आए थे जो यूएसए में कन्वर्ट कर दी तो 7.7 मिलियन के बजट के साथ जो है समाप्त किया गया था। बागी 2 फिल्म को भारत में 35,000 यानी कि 3,500 स्क्रीनों सहित 30 मार्च 2018 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। हालांकि एक्शन दृश्य और कलाकारों के प्रदर्शन को प्रशंसा मिली थी, लेकिन इसकी साथ ही जो अनसंगत पटकथा और निर्देशक के लिए फिल्म की आलोचना की गई थी और फिल्म ने 2018 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनने के लिए दुनिया भर में यह फिल्म 2.53 बिलियन से अधिक की कमाई किया।
जो यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 33 मिलियन से आधे की कमाई किया। तो चलिए अब इस फिल्म की कहानी के बारे में भी हम जानते हैं। ये फिल्म जो है तमिल वेटई पर आधारित है। एक दूसरा आध्यात्मिक जो है सीक्वल बागी 3 फिल्म 6 मार्च 2020 को जारी किया गया था और साजिद नादिदवाला खान और शराफ ने फिल्म के लिए वापसी की और जिसमें जो है कपूर ने महिला प्रधान भूमिका निभाई और पट्टानी एक विशेष गीत में सिर्फ दिखाई दी है। तो चलिए अब बागी 2 की कहानी को हम जानते हैं। इस फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो इस लेख का कथानक जो है सारांश बहुत लंबा है। फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है मार्च 2022 में। नेहा एक जो है विवाहित महिला की एक बेटी रिया है, इसे वह बहुत प्यार करती है। रिया के स्कूल के पहले दिन जो है नेहा पर जो है नकाब पोश जो है लोग हमला करते हैं और उसने पुलिस में जो है शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि लोग जो है रिया को ले गए हैं और पुलिस जो है इनकी छानबीन करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। इससे जो है निराश होकर नेहा ने पूर्व प्रेमी रणबीर रोनी प्रताप सिंह से मदद मांगी, जो भारतीय सेना के पैरा और साथ ही SF जो है सैनिक है और पिछले दिनों रोनी ने नेहा से जो है कॉलेज के समय में मिला था और पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। कुछ घटनाओं के बाद जो है उसे भी रोनी से प्यार हो गया। हालांकि उसके पिता महेंद्र को कैंसर हो गया और मरने से पहले नेहा से अनुरोध किया कि वह एक धनी व्यवसायी शेखर से शादी करे। महेंद्र की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए नेहा ने रोनी के साथ जो है आंसू बहाए। हालांकि उन्होंने दोस्त बने रहने का फैसला किया। वर्तमान में वापस रोनी एक जो है घबराई हुई नेहा से मिलता है और उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। वह थाने पहुँचते है जहाँ एक IR लेखक जो है इंस्पेक्टर शरद नेहा के साथ जो है दुर्व्यवहार करता है। साथ ही प्रतिशोध में रोनी उसकी जो है पिटाई करता है और एक ऐसी कार्रवाई है जो उसे गिरफ्तार और साथ ही करवाता है, लेकिन उन्हें जल्द ही DIG के अनुरोध पर जो है रिहा कर दिया गया। रोनी के साथ जो है कमांडिंग ऑफिसर जो है कर्नल जो है रंजीत के बैचमेट में अजय को लिया गया था। दोस्तों इस वीडियो में अभी हम रिव्यू कर रहे हैं बागी 3 फिल्म को, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था और रिलीज होने के बाद फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। तो दोस्तों अगर आप बागी 3 फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता। इस वीडियो में हम बागी 3 मूवी के रिव्यू को लेकर हाजिर हुए हैं, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मूवी रिव्यू देखने को मिलता है। आपको बता दे रोनी को रंजीत धारा वापस जो है बेस पर बुलाया जाता है, लेकिन एक स्थानीय शारीरिक रूप से सक्षम यानी एजेंट जो है उस्मान के साथ यात्रा करते समय अपना जो है मन बदल लेता है, जिसकी जो है मदद उसने जो है इनकी मांगी है। और आपको बता दे वह रिया के स्कूल जाता है जहाँ पे परचाय ने स्कूल इन साथी परिसर में अपहरण की और किसी भी घटना से जो है इनकार किया है। रोनी शेखर के भाई सनी से जो है मिलता है जो एक ड्रग एडिक्ट है और उसके पीछे एक जो है यानी कि बिल्डिंग में जाता है जहां उसे पता चलता है कि उस्मान ड्रग एंड साथ ही जो है पेडलिंग में शामिल है। इसी प्रक्रिया में रोनी दो लोगों से लड़ता है और उसे हरा देता है। वह जो है यानी कि उस्मान से रिया के बारे में पूछता है, लेकिन जो है उस्मान को कुछ पता नहीं लगता है। इसी बीच जो है पुलिस आयुक्त लोहा सिंह को जो है यानी कि ढोल को मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शेखर रोनी से मिलता है और बताता है कि नेहा को पोस्ट यानी कि ट्रामेटिक जो है स्ट्रेस और साथ ही डिसऑर्डर हो गया था और वह एक बेटी रिया होने के बारे में मति भ्रम करने लगी थी, जबकि यह भी कहा गया था कि उसकी कोई बेटी नहीं है। रोनी जो है इनकी CCTV फुटेज की जांच करता है और कार में नेहा के अलावा और कोई नहीं पाता है। वह जो है गुस्से में नेहा पर चिल्लाता है और जो उसे जाने के लिए कहती है बस जाने के लिए कहती है। वह दीवार पर ऊंचाई यानी कि माप देखता है जो कि दर्शाता है कि रिया एक असली बच्चा हो सकती है और खुद पर जो है संदेह करना शुरू कर देता है, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी है क्योंकि नेहा जो है ग्रिल से कूदती है
और आत्महत्या कर लेती है और साथ ही असहाय महसूस करती है। जैसा कि आपको बता दें, किसी को विश्वास नहीं होता हो सकता है। आखिरकार जो है यानी कि उस्मान ने रिया को एक होटल में रोनी से मिलने जाने की बात जो है स्वीकार की और उसने जो है सनी को ड्रग इंसाते डिलीवरी के लिए बुलाया। जब जो है उसने अपने आदमियों को आंखों पर पट्टी बांधकर रिया को मंद में ले जाते हुए देखा और उसने जो है उस्मान को चुप करने के लिए पैसे दिए। वह एक बार में जाते हैं, रोनी सनी का पीछा करता है लेकिन एलएसडी रोनी को पकड़ लेते हैं, जिसे जो है उसने होटल में रुकने के लिए कहा था। और पुलिस जो है सनी से पूछताछ करती है लेकिन अजय ने उसे जो है गर्म क्षण में गोली मार दी। और रोनी का कहना है कि उसके पास जो है सबूत है कि रिया जीवित है और उस्मान को अजय और साथ ही एलएसडी से जो है इनकी मिलवाया गया है। अब आपको बता दे, अजय रोनी को अपने घर ले जाता है और कहता है कि उसने जो है एक दुर्घटना में अपना जो है परिवार खो दिया है और वही दो यानी कि हमलावर ने उसके परिवार को खत्म करा था। रोनी का ये कहना है कि उसने अपने परिवार को दुर्घटना में अपना परिवार खो दिया, वही दो हमलावरों ने उस्मान की बेरहमी से पिटाई कर दी। रोनी वहां आता है और वहीं पे उस्मान को खून बह रहा होता देखता है, जो कि हमलावरों से लड़ते हैं, जो चोट लगने से उस्मान की मौत हो गई। रोनी एक हमलावर का फोन लेता है और अजय के घर में खुद की ली गई एक जो है तस्वीर देखता है, जिसमें जो है पता चलता है कि अजय ही मास्टरमाइंड है। वह अपने ठिकाने पर जाता है, जंगल में कई जो है गुंडों से लड़ता है और खून बहने पर हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर देता है। रोनी एक जो है व्यक्ति को मारता है जो कि रिया के पिता के रूप में काम करते हैं, लेकिन अजय द्वारा गोली मार दी जाती है, जिससे पता चलता है कि शेखर रिया से नफरत करता था और उसे अपहरण करने के लिए साथी उनके साथ भुगतान करता था। शेखर ने रिया की सारी तस्वीरें और उनके साथ जो है खिलौने जला दिए और अजय रोनी को मारने के लिए कोशिश करता है, लेकिन लोहा ने उसे मार डाला और रोनी बेहोश होने से पहले ही रिया को देखता है। और साथी एलएसडी बताते हैं कि शेखर बांझ था जिसने जो है उसे यह कठोर यानी कि कदम उठाने के लिए प्रेरित किया था। इसका अर्थ है कि रिया रोनी की बेटी है और रोनी को याद है जब जो है नेहा ने उससे कहा था कि उसे शेखर से शादी करनी है, तो वह और नेहा प्यार करने लगे और अंत में रोनी रिया को अपने घर ले जाते हैं और कल्पना करते हैं कि नेहा उसे देखकर मुस्कुरा रही है। तो दोस्तों, ये फिल्म भी यहीं पे मुस्कुराते हुए खत्म हो जाती है। और अब बात करते हैं पार्ट तीसरी मूवी की, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था। दोस्तों आपको बता दे, बाकी टू फिल्म में टाइगर श्रॉफ जो है कैप्टन रणबीर रोनी के कैरेक्टर में नजर आए हैं, दिशा पतानी नेहा रावत के कैरेक्टर में नजर आई है, मनोज बाजपेयी फिल्म में डिग अजय शारगिल के कैरेक्टर में नजर आई है, एन साथ रणदीप हुड्डा फिल्म में एसपी लोहा सिंह के कैरेक्टर में नजर आए हैं और भी इसमें कई सारे जो है सहायक भूमिकाओं में नजर आए हैं कैरेक्टर। तो दोस्तों आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है। हम यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकते, मैं सिर्फ मूवी की रिव्यू मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बदलाता हूँ। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करें बागी 3 फिल्म को, जिसे यूट्यूब पर आप नहीं देख सकते क्योंकि यूट्यूब पर इस मूवी को किसी भी कंपनी ने अपलोड नहीं किया है। तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम जानते हैं, फिल्म को कितने बजट में बनाया गया था और फिल्म ने दुनिया भर में कितनी कमाई किया है। बागी 2 फिल्म 1 मई 2017 को टाइगर श्रॉफ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर पोस्ट किया था। आपको बता दें, फिल्म के निर्माता साजिद नदीदवाला ने फॉक्स स्टार स्टूडियो के साथ जो है सहयोग किया और फिल्म जो है फॉक्स स्टार स्टूडियो और साजिद नदीदवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के तहत रिलीज हुई थी। साथ ही प्रोग्राम में यह बताया गया था कि मुख्य महिला भूमिका के लिए जैकलिन फर्नांडिस और कृति सनोन पर जो है विचार किया गया था। हालांकि जून 2017 में श्रॉफ के साथ जो है स्क्रीन टेस्ट गुजरने के बाद जो है दिशा पतानी को कास्ट किया गया था। कलाकारों के बारे में बात करते हुए साजिद नदीदवाला ने कहा, वह एक जो है अद्भुत यानी कि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री साझा करती है, जो एक उनके लुक टेस्ट में जो है स्पष्ट थे, जो कि दिशा भूमिका के लिए बिल्कुल जो है सही है और मैं अपने जो है कलाकारों से खुश हूँ और साथ ही परियोजना को शुरू करने के लिए उत्साहित हूँ।
टाइगर श्रॉफ एक्शन इंसाती डायरेक्टर जो है टोनी चिंग के अधीन जो है इनकी मार्शल आर्ट के प्रशिक्षण के लिए उनके साथ हांगकांग गए हैं, जबकि जो है बटानी ने कलाबाजी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जुलाई 2017 में साजिद नदीदवाला ने नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रतीक जो है बब्बर को कास्ट किया था। फिल्म का निर्माण 590 मिलियन था और यूएसए में कन्वर्ट कर दे तो 8.38 मिलियन के बजट पर फिल्म को बनाया गया था। प्रधान फोटोग्राफर के बारे में हम बात कर तो 8 अगस्त 2017 को शुरू हुई शूटिंग की शुरुआत मुंबई में एक सेट पर मुख्य कलाकारों के एक गाने के साथ जो है शूट की गई थी, जिसके बाद जो है पुणे में फिल्म इंसाती यूनिवर्सिटी के परिसर में शूट किए गए थे। दृश्यों की शूटिंग जो है हुई थी और फिर टीम को जो है की मनाली इंसाती थाईलैंड चीन गोवा और साथ ही लद्दाख में फिल्माया गया था। टाइगर श्रॉफ फिल्म के चरित्र का एक जो है कि यतान पूर्ण दृश्य फिल्माए थे और जबकि अभिनेता नगन भी इसमें काम किए थे। आपको बता दें फिल्म का पहला ट्रेलर 21 फरवरी 2018 को श्रॉफ और पठानी द्वारा लॉन्च किया गया था।